ये सुसमाचार 20वीं शताब्दी के भविष्य वक्ता और हमारे प्यारे भाई विलियम मेरियन ब्रनम ने 28 जून 1959 को रविवार की सुबह ब्रनम टैबरनेकल जेफरसनविले इंडियाना संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचार किया था। इसका अंग्रेजी शीर्षक ए डिसीव्ड चर्च बाय द वर्ल्ड और हिंदी शीर्षक है दुनिया के द्वारा धोखा खाई एक कलीसिया। हिंदी अनुवाद और आवाज क्रिस्टोफर मैसी की है। जीसस क्राइस्ट दिस सन एंड हैज गिवन अस ऑल थिंग्स फ्रीली इन क्राइस्ट। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा मसीह में सभी चीजें बड़ी उदारता से हमें दी हैं। वी आर ग्रेटफुल टू दी लॉर्ड फॉर द प्रिविलेजेस दैट वी आर ग्रांटेड बाय दिस ग्रेट supreme sacrifice that Jesus gave for us at Calvary. हे प्रभु, हम आपके आभारी हैं कि आप कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह के सर्वोत्तम बलिदान के द्वारा सभी तरह के सुअवसर उपलब्ध करा दिए हैं। That it reconciled us back into fellowship and to favor with thee. जिसके अंतर्गत हम फिर से आपके साथ सहभागिता और आपके अनुग्रह से जुड़े हैं। That we might have this consolation of knowing that it's written. और ये भी शांति हमारे पास है कि पवित्र शास्त्र में यूं लिखा है, If ye abide in me and my words in you, you can ask what you will, and it shall be done unto you. यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Now we're grateful for this and pray that you'll give us faith to believe it. With all that's in us. इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस पर पूरे हृदय से विश्वास करने की सामर्थ्य दें। Now let us lay aside, Lord, every toil of the day, every care of this life. अब प्रभु होने दे कि हम दिन भर की तमाम थकान और जीवन की प्रत्येक चिंता छोड़कर All the way from the janitor to the pastor. हम में से प्रत्येक जन द्वारपाल से लेकर सेवक भाई तक सभी तेरे पास आए। That there would be nothing in our minds now but be waiting, listening reverently for the Holy Spirit to speak to us. और हमारे मस्तिष्क में अब कोई दूसरा विचार बाकी न रहे, वरन हम प्रतीक्षा करते रहें और आदर भाव सहित वह सब वचन सुन सकें जो पवित्र आत्मा हमसे कहना चाहता है। That we might accomplish something good, to know more of thee by our gathering together. ताकि हम एक साथ मिलकर यहाँ बैठने के द्वारा आपके बारे में और अधिक जान सकें और अपनी भलाई के लिए और कुछ बेहतर बातें सीख सकें। For Lord, truly that's why we come on this hot day. क्योंकि प्रभु ये सच है कि इसी कारण इस गर्मी के मौसम में हम यहाँ जमा हुए हैं। Speak to us through thy living word and let the living word dwell in us and abide in us. अपने जीवित वचन के द्वारा हमसे बात कर और होने दे कि वह जीवंत वचन हमारे साथ रहे और हमारे अंदर वास करे। That we might be shaped and formed not to the world, ताकि हम शक्ल और सूरत में इस दुनिया की तरह से नहीं, but be transformed by the renewing of our spirit into the form of the Son of God. वरन अपनी आत्मा के नए बन जाने से परमेश्वर के पुत्र की शक्ल सूरत में ढलते जाएं। Oh, our hearts tremble when we think and the joy floods our souls to know that we can be called sons and daughters of God. Oh, ये जानकर हमारे दिल धड़कने लगते हैं और हमारे प्राण आनंद मग्न हो जाते हैं जब हम सोचते हैं और जान जाते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन सकते हैं। We stand on the very brim of His second coming. और अब हम उसकी दूसरी आमद के छोर पर खड़े हैं। And all nations and kingdoms quivering under our feet. और इससे सारे देश हमारे पांव तले पड़े कांपेंगे। All things of the world is vanishing. और दुनिया की सारी चीजें लोप हो जाएंगी। But knowing that someday He shall come and shall take us to a kingdom. Where there shall never be an end or it'll never be moved. मगर हम जानते हैं कि किसी दिन वह आएगा और हमें ऐसे राज्य में ले जाएगा जिसका कभी अंत ना होगा, वह कभी बदलेगा नहीं।
And to think that we are now the subjects of that kingdom. और ये सोचकर हम खुशी से भर जाते हैं कि हम अभी उस राज्य के वारिस हैं. Oh God, circumcise our heart and ears today by the Holy Spirit through the washing of the water of the Word. हे परमेश्वर, वचन के जल से धोकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों और कानों का खतना कीजिए. For we ask it in His name and for His glory. Amen. क्योंकि इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में उसी की महिमा के लिए मांगते हैं. आमीन. I wish to approach the subject this morning. मैं एक विषय को आज प्रात बोलने के लिए चुनना चाहता हूँ. For I was going to speak on something a little different if there was to be a healing service. अगर आज यहाँ चंगाई सभा का आयोजन भी होता तो मैं किसी अन्य विषय पर बोलने वाला था. But we announced that the prayer cards to be given out at 8 to 8:30 or 9 o'clock. मगर हमने सूचित किया था कि प्रार्थना कार्ड 8 बजे से 8:30 या 9 बजे तक बांटे जाएंगे. And I just Billy come up the house a few minutes ago and he said there was hardly anyone here, so he didn't give out prayer cards. और थोड़ी देर पहले बिली ने घर आकर बताया कि कोई भी प्रार्थना कार्ड नहीं बांटे गए क्योंकि मुश्किल से वहाँ एक आध व्यक्ति ही चंगाई प्रार्थना हेतु आया है. So we'll, I thought of taking this text for a correction of the church. अतः मैंने इस विषय को आज के लिए चुना ताकि कलीसिया की कमी घटी दूर हो सके. Now I want to speak on the subject of a deceived church by the world. मैं जिस विषय पर बोलना चाहता हूँ वो है दुनिया के द्वारा छली गई या धोखा खाई हुई एक कलीसिया या चर्च. I wish to read some now out of the book of Judges, the 16th chapter, beginning with the 10th verse. अब मैं न्यायों की पुस्तक के 16वें अध्याय में से 10वें पद से पढ़ना चाहता हूँ. And Delilah said unto Samson, Behold, thou hast mocked me and told me lies. तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है. Now tell me, I pray thee, wherein thou mightest be bound. अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है. And he said unto her, If thou bind me fast with new ropes that never were occupied. उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हूँ कसकर बांधा जाऊं, Then shall I be weak and be as another man. तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्यों के समान हो जाऊंगा. Delilah therefore took new ropes and bound him therewith and said unto him, The Philistines be upon thee, Samson. तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांधकर कहा, हे शिमशोन, पलश्ती तेरी घात में है. And there was liers in wait abiding in the chamber, and he brake them from off his arms like as threads. कितने मनुष्य तो उस कोठरी में घात लगाए हुए थे, तब उसने उनको सूत की नाई अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला. And Delilah said unto Samson, Hitherto thou hast mocked me and told me lies. तब दलीला ने शिमशोन से कहा, तू अब तक मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है. Tell me where thou mightest be bound. And he said unto her, If thou weavest 7 locks of my head with a web. अब मुझे बता दे कि तू काहे से बंध सकता है. उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लटे ताने में बुने तो बंध सकूंगा. And she fastened it to the pins and said unto him, The Philistines be on thee, Samson. So उसने उसे खूंटी से जकड़ा. तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलश्ती तेरी घात में है. And he awakened out of his sleep and went away with the pins of the beams and with the web. तब वो नींद से चौंक कर उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़ कर उसे ताने समेत ले गया. And she said unto him, How canst thou say I love thee, when in thine heart is not with me? तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? Thou hast mocked me these 3 times, and hast told me
wherein thy great strength lies, and has not told me wherein thy great strength lies. तूने ये तीनों बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है. And it came to pass when she had pressed him daily with her words and urged him, so that his soul was vexed unto death. So, जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया. And he told her all his heart and said unto her, there has not come a razor up on my head, for I have been a Nazarite unto God from my mother's womb. तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सर पर छुरा कभी नहीं फिरा क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नजीर हूँ. If I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak and be like another man. यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा. And when Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called the lords of the Philistines, saying, come up this once, for he has shown me all his heart. ये देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा कि अब की बार फिर आओ क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है. And the lords of the Philistine came up unto her and sought money in her, brought money into her hand. तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए. And she made him sleep upon her knees. And she called for a man, and he caused him to shave off the 7 locks of his head. तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली. And began to afflict him, and his strength went from him. और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया. And she said, the Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep and said, I will go out as at other times before and shake myself. तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है. तब वो चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की तरह बाहर जाकर झटकूंगा. And he wist not that the Lord had departed from him. वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है. Now I wish to read for a text for this subject. Found over in the book of Revelations, the 2nd chapter, beginning with the 21st and the 23rd verses. अब मैं इस विषय से संबंधित पाठ पढ़ना चाहता हूँ जो प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय की 21 और 23 पद में पाया जाता है. 21 से 23 में पद में पाया जाता है. And I gave her space to repent of her fornications, and she repented not. मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulations, except they repent of their deeds. देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ और जो व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा. And I will kill her children with death. And all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts. और मैं उसके बच्चों को मौत से मार डालूंगा और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ. And I will give unto every one of you according to your works. और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा. May the Lord add his blessings to the reading of his word. प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे. Samson, great deal like the church, started off right. He started off in the right direction. शिमशोन ने भी कलीसिया के कामों की तरह से अपनी शुरुआत एकदम ठीक ढंग से करी थी और वह सही दिशा की ओर चला था. He started off and was called a mighty man of valor. जब उसने अपना काम शुरू किया तो वो वीर और बहादुर मनुष्य कहलाया. He started out serving the Lord in keeping his words and doing his commandments. किंतु जब उसने काम शुरू किया तो वह प्रभु की सेवा करता, उसके वचनों को मानता तथा उसकी आज्ञाओं का पालन करता था.
And that was somewhat like the church. ये बात कुछ कुछ कलीसिया पर भी लागू होती है. It started off on, as we would say, as a world expression, started on the right foot. जब कलीसिया पहली बार बनी तो उसने सही दिशा में चलना शुरू किया था. दुनियावी तरीके पर कहें तो उसने सही पग उठाया था. Started to keep the commandments of the Lord. उसने प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना शुरू किया था. And as long as Samson followed the Lord used Samson. और जब तक शिमशोन प्रभु के पीछे पीछे चला, प्रभु ने शिमशोन से काम लिया. For God can keep anyone and use anyone that will follow after him. For it's God's business. क्योंकि परमेश्वर किसी को भी बुलाकर उससे काम ले सकता है जो उसके पीछे पीछे चलने वाला हो, क्योंकि मामला परमेश्वर के अपने काम से संबंधित है. But when we turn to a side away from the things of God, then God cannot use us any longer. किंतु जब हम परमेश्वर की बातों से मुड़ जाते हैं, परे हट जाते हैं, तो फिर परमेश्वर भी आगे हमें अपने लिए उपयोग में नहीं लाता. When we walk steadfastly after the commandments of God. जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को दृढ़ता से मानते चलते हैं. When we stay in the pages of the Bible and worship by the written word. जब हम स्वयं को पवित्र शास्त्र के पृष्ठों में बनाए रखते हैं और लिखित वचन या लिखित पत्रियां बनकर उसकी उपासना करते हैं. Worship him in the spirit and in the truth of the word. Then God can use any individual. जब हम उसकी उपासना आत्मा और वचन की सच्चाई से करते हैं, तब ऐसे किसी भी मनुष्य को परमेश्वर अपने लिए उपयोग में ला सकता है. But when they take a notion to turn aside after something else, then God cannot use that person any longer. किंतु जब भी किसी बात पर हम उससे परे हटने का जरा भी संकेत देते हैं, तो फिर आगे को परमेश्वर उसे अपने लिए उपयोग में नहीं लाता. So Samson makes a very outstanding representation of the church of today. देखिए, शिमशोन आज के चर्च या कलीसिया की बहुत बढ़िया प्रतिछाया थी. When the church started, God could use the church. जब कलीसियाएं शुरू हुई थी, परमेश्वर उसको अपने लिए इस्तेमाल कर पाया था. For the church walked diligently after the commandments of the Lord. क्योंकि उस समय कलीसिया निष्ठापूर्वक परमेश्वर प्रभु की आज्ञाओं पर चल रही थी. Kept all of his judgments and his statutes and done all of his commandments and God was with the church. उसने परमेश्वर के सारे न्याय, सारी विधियां, सारी आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन किया था और परमेश्वर कलीसिया के साथ था. But it seems to be that there is such a weakening place amongst the church. किंतु ऐसा लगता है कि कलीसिया में कहीं ना कहीं कोई कमजोर पक्ष जरूर रहा है. Remember, we are not on a picnic, but we're in a battlefield. याद रखिए कि हम किसी पिकनिक पर नहीं निकले हैं, वरन हम सदा युद्ध स्थल पर हैं. Many people just think that when they become a Christian, that's all they need to do. That settles it forever. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब वे मसीही बन गए तो बात खत्म हो गई, हमेशा के लिए मामला सुलझ गया, बस उन्हें यही करना था कि मसीही बन जाएं. If they are a Christian, then everything's going to come easy. वे सोचते हैं कि चूंकि वे मसीही बन गए हैं तो अब सब कुछ आसान हो जाएगा. Don't never get that in your head. किंतु इस प्रकार की बातों को कभी अपने दिमाग में मत आने दीजिए. For I become a Christian to fight. Fight the good fight of faith. क्योंकि मैं एक लड़ाई लड़ने के लिए मसीही बना हूँ, विश्वास की लड़ाई लड़ने के लिए. I become a Christian to get in the battle line. मैं मसीही इसलिए बना ताकि लड़ने वाले सिपाहियों की कतार में खड़ा हो सकूं. We are Christian soldiers. And we've got to be trained and brought up and know all the techniques of the enemy. हम मसीही सिपाही हैं और हमें दुश्मन के सारे तौर तरीकों, साधनों के बारे में जानना है और उससे लड़ने की शिक्षा प्राप्त करनी है.
To know how to fortify, to know how to fight the fight. यह जानना है कि उससे कैसे लड़ा जाए और कैसे स्वयं को बचाया जाए. And we can only do that as the Holy Spirit will reveal it to us. और ये सब हम उसी तरह से तब कर सकते हैं जिस प्रकार से पवित्र आत्मा हमें बताता जाए. We cannot take what some other nation tells us when we go to war, some of their ideas. जब हम लड़ाई पर जाते हैं तो दूसरे देशों के सुझाव या उनके कहे अनुसार नहीं लड़ते. But we got to take our own ideas, the way the Holy Spirit would direct us, and what ideas He would give us. वरन हमें अपने ही ढंग और सोच पर जैसा कि पवित्र आत्मा हमें निर्देशित करे वह लड़ाई लड़नी होती है. Because He is the commanding chief of the army of the Christians. क्योंकि पवित्र आत्मा ही मसीही लोगों की सेना का मुख्य सेनाध्यक्ष है. Samson did good. He was a great man. Until he began to kind of, we would call it scallywag around. शिमशोन एक बड़ी सामर्थ्य से भरा मनुष्य था और उसने बड़ा अच्छा काम किया था जब तक कि उसने इधर उधर बल्कि हम कहेंगे कि जब तक कि उसके पर निकलने शुरू नहीं हुए थे. Until he began to get off of his own territory. जब तक कि वो अपने लिए निश्चित सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं गया था. And the church did run well and was all right until they began to get off of their territory. इसी प्रकार से कलीसिया भी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी जब तक कि उसने अपनी सीमा से बाहर निकलना शुरू नहीं किया था. Samson began to flirt. And he was not flirting with Israel, Lattish girls. He began to flirt with a Philistine girls. शिमशोन ने प्रेम स्वांग भरना शुरू कर दिया था और वो भी किसी इजरायली लड़की के साथ नहीं वरन एक पलिश्ती लड़की के साथ. And that's somewhat similar to what the church did. और ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसा कि कलीसिया ने किया. It never began to make love with its own. It got off after unbelievers and began to flirt with unbelievers. उसने अपने विश्वासी भाइयों से तो प्रेम किया नहीं और अविश्वासियों के पीछे लगकर उनके साथ प्रेम प्रसंग शुरू कर दिए. That's where we made our great and one of the greatest mistakes. That's when the church began to do things that wasn't right. It began to keep, like Samson, bad company. यहीं पर हमने बड़ी भूल करी, भयंकर भूलों में से एक बड़ी भूल करी कि कलीसिया ने वह काम करने शुरू कर दिए जो ठीक नहीं थे. उसने शिमशोन की तरह से बुरी संगत अपना ली. Samson, as long as he was in the company of the Lord's people, he did all right. शिमशोन जब तक परमेश्वर के लोगों की संगति में रहा वो ठीक ठाक चलता रहा. But when he got to flirting with bad company, then he got in trouble. लेकिन जब उसने बुरी संगत में भटकना शुरू किया तो वह परेशानी में फंस गया. And that's the way it is with the church. और कलीसिया के साथ भी यही हुआ. When the church followed reverently and daily after the leading of the Holy Spirit, God blessed them, and miracles and signs and wonders followed the church. जब तक कलीसिया नित्य प्रति आदर भाव धारण किए पवित्र आत्मा के चलाए चलती रही परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और आश्चर्य क्रम चिन्ह और अद्भुत चमत्कार कलीसिया में होते रहे. But when he began to keep bad company with the world, लेकिन जब उसने बुरी संगति अपनानी शुरू करी दुनियावी मामलों में उलझना शुरू किया. Worst things it done and the first things it done, it began to organize. तो सबसे बुरी बात जो उसने करी और सबसे प्रथम बुरी बात जो उसने अपनाई वो यही थी कि उसने स्वयं को संगठित कर लिया, संस्था बना ली, व्यवस्थित कर लिया. Breaking up fellowship amongst other believers because it found out that nations were organized. उसने दूसरे लोगों के साथ संबंध स्थापित कर लिए क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों को देखा कि वे सभी संगठित हैं, व्यवस्थित हैं. But this great gospel is not dedicated to one nation or one people. किंतु ये महान सुसमाचार किसी एक राष्ट्र या कुछ लोगों की व्यक्तिगत जागीर नहीं है और न ही किसी एक के प्रति समर्पित है.
It's dedicated to whosoever will let him come. Amen. All nations, kindreds, tongues, and people. यह तो समर्पित होती है जो कोई भी अपनाना चाहे, जो कोई भी आना चाहे, सभी देश, जाति, भाषा और लोगों के लिए ये उपलब्ध है. God never did intend for us to draw boundary lines. परमेश्वर ने अपने सुसमाचार के साथ कभी कोई सीमा बांधने का संकेत नहीं दिया है. But man wanted to be like they compare or to a copy after. किंतु मनुष्य दूसरों से अपनी तुलना करके उनकी तरह से नकल करना चाहता है. Go like the world does, say the things that they do, make a success the way they were a success. वह दुनिया की तरह से करना चाहता है, जैसे और लोग सोचते और जैसे दूसरा करते हैं, वैसे ही वो करना चाहता है, दूसरों की तरह की सफलताएं पाना चाहता है. We cannot never be a success doing anything the world does. हम दुनिया की तरह के काम करके कभी भी अपने लिए सफलता नहीं पा सकते. We can only be a success as we follow after God's statutes and His way of doing things. हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम परमेश्वर की विधियों को मानेंगे और उसके तरीके से काम करेंगे. We can never be by pattering after the world. दुनिया के नमूने पर चलकर हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते. If the cigarette company has met their greatest success by television. अगर दूरदर्शन के द्वारा सिगरेट निर्माताओं को अपने व्यापार में सफलता मिली है and the beer and the whiskey crowds has made their great success through the contribution of television. और बियर और विस्की वालों ने कामयाबी की भीड़ दूरदर्शन के सहयोग से जुटाई है. That's no sign that the church shall make its success by television. तो यह कोई इस बात का चिन्ह नहीं है कि कलीसिया की सफलता भी दूरदर्शन से मिलेगी. The success of the church lies within the preaching of the gospel of the power of God and the demonstration of the Spirit. कलीसिया की सफलता सुसमाचार प्रचार करने, परमेश्वर की सामर्थ्य से वचन को सुनाने और पवित्र आत्मा को जीवन प्रकट करने में छिपी है. We cannot say because that television done such and such for the cigarette company and the other companies. हम यह नहीं कह सकते क्योंकि सिगरेट कंपनी के लिए दूरदर्शन ने वगैरह वगैरह सफलता पाई या कंपनियों के लिए लाभदायक हुआ तो हमारे लिए भी वो लाभदायक होगा. We do not have any scripture to try to compare with them people. हमारे पास पवित्र शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हम अपनी तुलना उन लोगों से करने की कोशिश करें. And as long as we do, we may draw great numbers of people, but that's not what God ordained us to do. और जब तक हम ऐसा करते रहेंगे तो चाहे हम अपनी कलीसिया की सदस्य संख्या बढ़ा लें मगर परमेश्वर ने हमें ऐसा करने के लिए नियुक्त नहीं किया था. We think because that we're all colors, flying high, great organizations, causing great colorful things to take place, that it's a success. हम सोचते हैं कि बड़ी महान संस्थाएं या डिनोमिनेशंस बनाना, रंग बिरंगे आयोजन, आकाश की ऊंची विचारिक उड़ाने ही वास्तविक सफलताएं हैं. We are dying daily on our feet, spiritually speaking. आत्मिक रीत से कहूं तो हम नित्य प्रति मृत होते हैं. If we stood 10 million strong this morning and the Holy Spirit wasn't with us, we'd do well to stand 10 strong with the Holy Spirit with us. अगर हम आज सुबह 1 करोड़ जन भी साथ खड़े हों और हमारे साथ पवित्र आत्मा न हो तो मात्र 10 ऐसे व्यक्ति जिनमें पवित्र आत्मा हो वो अधिक सामर्थी होंगे. We cannot compare with the world. हम अपनी तुलना दुनिया से नहीं कर सकते. One of the first things was the church begin to organize themselves. और देखिए कि सबसे पहली बुरी बात ये हुई कि कलीसिया ने स्वयं को संगठित कर संस्थागत गिरजों बना लिए, गिरजों का रूप धर लिया. The first organization was the Catholic Church. And then come the Lutheran Church. सबसे पहली संगठित संस्थागत कलीसिया रोमन कैथोलिक चर्च था, फिर लूथरन चर्च बना. When they organized in the Catholic Church to make it an organization. जब कलीसिया ने खुद को रोमन कैथोलिक चर्च की संस्था में ढाला. One day there was a cry. The Philistines is on thee, Samson. तो एक दिन वहां ये पुकार हुई कि शिमशोन पलिश्ती तेरी घात में है. And Samson broke the cords of the bounds of the Catholic Church and Martin Luther came forth.
Amen. With the organizations. और शिमशोन कैथोलिक गिरजे रूपी रस्सियों के बंधनों को तोड़कर बाहर आया, फिर उसके बाद मार्टिन लूथर आया, और बाद में फिर से एक और नामधारी गिरजा संगठित हो गया। Then they bound the church with another cord, as Delilah did. तब दलीला की तरह उन्होंने कलीसिया को फिर एक और नए बंधन में बांध लिया। And they began, instead of having God call men who were called by the Holy Spirit. और गिरजे में ऐसे लोगों के स्थान पर जो परमेश्वर के चुने जन थे, जिन्हें पवित्र आत्मा की बुलाहट मिली थी, Maybe didn't know their ABCs, but they know Christ. जो चाहे कह ना जानते हो, मगर जो कि मसीह को जानते थे। Then the church got stylish and fashioned after the political speakers. उनकी जगह पर गिरजों में फैशन परस्त, शौकीन, राजनीतिक रीति पर भाषण देने वाले नियुक्त कर दिए गए। And they had to give their preachers doctor's degree. Everybody had to be a doctor of divinity. और तब गिरजों को अपने उन लोगों को, प्रचारकों को आचार्य और डॉक्टर्स की पदवी देनी पड़ी, और तब प्रचारकों को दिव्य आचार्य या डॉक्टर ऑफ डिविनिटी की पदवी लेना जरूरी हो गया। That was another cord to bind the church. यह एक और बंधन था जिससे कलीसिया को बांधा गया। Men go off and study. Each seminary tries to produce a better scholar. मनुष्यों को तब धार्मिक संस्थानों में जाकर धर्म की शिक्षा लेनी पड़ती थी, और प्रत्येक धर्म शिक्षा संस्थान अच्छे से अच्छा विद्यार्थी या शिक्षार्थी उपलब्ध कराने की होड़ में जुट गया। So that their churches can brag, our pastor is a doctor of divinity. ताकि उनका गिरजा ये डींग मार सके कि हमारा पादरी तो दिव्य पंडित है। What did they do? One tried to have more knowledge than the other. और उन्होंने क्या किया? एक ने दूसरे से बढ़कर ज्ञान प्राप्त करना चाहा। Well, that doesn't mean anything in the sight of God. इस सब का परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी अर्थ नहीं है, ये बेमतलब की बातें हैं। And there's no need for any man to try to take his worldly knowledge and ever please God with it. और यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई मनुष्य अपना दुनियावी ज्ञान प्राप्त करे और परमेश्वर को उससे प्रसन्न कर सके। It's an abomination in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में यह व्यभिचार है। You'll never please God with the worldly ambitions and knowledge because it's enmity to God, says the Scripture. पवित्र शास्त्र बताता है कि आप दुनियावी ज्ञान, अभिलाषाओं, इच्छाओं के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि यह सब करना परमेश्वर के प्रति शत्रुता करना है। He cannot do it. परमेश्वर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। And each one tries to have all the knowledge. और सभी ने समस्त ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करी। They know just what to do and the words to say. वे जानते थे कि उन्हें प्रवचन में कौन-कौन से शब्द कहने हैं। And it becomes just a political speech instead of a powerfully demonstrated Holy Spirit message that sinks to the heart of man and discovers the sin. और इस प्रकार उनका संदेश एक राजनीतिक भाषण बन जाता है, बजाय पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया सामर्थ्य भरा वो सुसमाचार जो लोगों के दिलों में उतरकर पाप को उजागर करे। They're trained for political talks. And we don't need that. वे लोग राजनीतिक बातचीत के लिए सिखाए पढ़ाए जाते हैं, और हमें इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। Paul said the word come to us not only of the gospel in word only, but through the power and the manifestation of the Holy Ghost. पौलुस कहता है कि परमेश्वर का सुसमाचार हमें वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसके जीवन प्रकट होने सहित मिला है। That brought the gospel, demonstrating the powers of the Holy Ghost. इससे ये बात सामने आई कि सुसमाचार प्रचार करना पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रकट करना है। But all these men go off to seminaries and they learn great educations. किंतु ये सारे मनुष्य तो शिक्षा पाने, धार्मिक शिक्षण केंद्रों में जाकर बड़ा ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं। How they must stand before the people, how they must present themselves. वहां इन्हें सिखाया जाता है कि किस प्रकार से लोगों के सामने खड़े होना है, किस प्रकार से स्वयं को उनके सम्मुख प्रस्तुत करना है। How they must dress and how they must act. They should never use a wrong grammar. उन्हें किस तरह का पहनावा पहनना है, किस प्रकार व्यवहार करना है, उन्हें कभी गलत व्याकरण का प्रयोग अपनी भाषा में नहीं करना है। Now that's all right for a political speech. But we are not after the enchanting words of man.
यह सब बातें राजनीतिक भाषण देने के लिए तो ठीक हैं, मगर हमें मनुष्यों की मंत्रमुग्ध करने वाली भाषा थोड़े ही सुननी है। Paul said the gospel that I preached didn't come like that. When it comes to the renewing of the Holy Ghost and the power of demonstrations. पौलुस कहता है कि जो सुसमाचार मैं तुम्हें सुनाता हूँ वो वैसे ही मुझे नहीं मिला, वरन वह पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट करने वाले वचन सहित मिला है। Come by a right form speech. That your wisdom would be or your trust would be in the wisdom of man. वह पहले से तैयार करा गया भाषण नहीं है कि तुम्हारा भरोसा किसी मनुष्य की बुद्धिमत्ता पर जम जाए। But it come through the demonstrations of the power of the risen Christ. वरन ये सुसमाचार जीवते मसीह की सामर्थ को प्रकट करने वाला है। That's the gospel. असली सुसमाचार इसे ही कहते हैं। To know him in the power of his resurrection. कि मसीह को उसकी जी उठने की सामर्थ सहित जानना। Each one tries to think he's a little smarter than the other man. प्रत्येक नामधारी गिरजे वाला यही सोचने की चेष्टा करता है कि वे दूसरों से अधिक बुद्धिमान है। Each denomination, the Methodists say, we got the smartest man. Methodist वाले कहेंगे हमारे पास सर्वाधिक तेज बुद्धि वाले हैं। The Baptists will say, and the Church of Christ and so forth, we're the smartest. Baptist, Church of Christ और बाकी सभी भी यही कहेंगे कि हमारे यहाँ सबसे अच्छे तीक्ष्ण बुद्धि वाले सदस्य हैं। Our people, we don't let just the ordinary man go out and preach the gospel. वे कहेंगे हम मामूली लोगों को बाहर वचन सुनाने नहीं भेजते या सुसमाचार सुनाने नहीं देते। But they hand pick them. मगर वे लोगों को खुद चुनते हैं। Oh, God have mercy. Hand pick them. हे परमेश्वर दया कर, लोगों को वो खुद चुनते हैं। If they're indoctrinated with their certain doctrine, then they put them in the church. जो लोग उनके बनाए किसी खास सिद्धांत को मानते हैं उसे ही वे अपने गिरजों में रखते हैं। God can't touch him in no way. परमेश्वर ऐसे लोगों को किसी भी रीति से छू भी नहीं सकता, वो उनसे दूर रहता है। I want somebody to preach to me that's been handpicked by the Holy Ghost. मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा जन मुझे वचन सुनाए जिसे पवित्र आत्मा ने चुना हो। God has raised them. Not picked by man or denominations. किसी मनुष्य या संस्था ने नहीं, वरन परमेश्वर ने जिसे खड़ा किया हो, पवित्र आत्मा ने जिसे बुलाया हो। All knowledge, they say, oh, we know all about it. सारा ज्ञान, वे कहते हैं, ओ, हम सब कुछ जानते हैं। And some of them doesn't know the first alphabet of the Holy Spirit. They deny it. और उनमें से कुछ तो पवित्र आत्मा का पहला अक्षर भी नहीं जानते, वे उसका इंकार करते हैं। It reminds me of a little book I read one day in California about 10 years ago. इससे मुझे 10 वर्ष पहले कैलिफोर्निया में पढ़ी एक छोटी सी किताब की याद आ रही है। I picked it up in an old bookstore. I forget who was the author. मैंने उसे एक पुरानी पुस्तकों की दुकान से खरीदा था, लेखक का नाम मैं भूल गया हूँ। Just a little 10-cent book. But it had some good sense to it. Though it seemed jokingly and cunningly. यह एक छोटी सी 10 सेंट मूल्य की पुस्तक थी जिसमें हास्य और चतुराई की बाल कथाएं थीं, मगर फिर भी बहुत समझदारी की बातों से भरी थी। But I found something in there that sounded like God to me. किंतु इसमें मुझे कुछ ऐसी बातों का आभास मिला मानो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा हो। And one of the little stories started out like this. उसमें एक छोटी कथा इस प्रकार से दी गई थी। One morning in a great chicken pen. There was a certain little rooster. एक प्रात एक मुर्गी खाने में एक छोटा चूजा था। That thought he had all the knowledge that there was to be known. उसने सोचा कि दुनिया में जितना ज्ञान है वो सब उसे पता है। So he flies up on a box and beat his little bill against the box 4 or 5 times, threw back his little head and crowed like you never heard a rooster crow. अतः वह उड़कर एक बक्से पर बैठ गया और अपनी चोंच से 4 या 5 बार उसने बक्से पर खटखट मारी और अपने सर को पीछे को झटका और इस प्रकार से बांग दी जैसे आपने किसी मुर्गे की बांग कभी न सुनी हो। And the others, he attracted their attention. And he said, "Ladies and gentlemen of this chicken pen." इस प्रकार दूसरे चूजों का ध्यान आकर्षित करके उसने कहा, इस दरबे के सभी सज्जनों और बहनों, I would like to
speak to you all this morning on some great educational program we have just designed. मैं आज सुबह आपको शिक्षा की एक बड़ी योजना बताना चाहता हूँ जिसे हमने अभी अभी शुरू किया है. Said I have required a lot of knowledge in my studying as he pulled his little glasses over his bill. उसने आगे कहा मैंने अध्ययन करके बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया है. ये कहते हुए उसने अपनी चोंच पर धारा चश्मा खसकाया. And he said I have decided that we chickens can better ourselves by a more knowledge. और उसने कहा मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम चूजे अधिक ज्ञान प्राप्त कर अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं. Therefore I can tell you that if we will dig and work in a certain pen or a hole, we'll find a certain vitamin that'll make us crow better, prettier feathers. इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि यदि हम एक निश्चित स्थान पर खोदें या उस किसी खास सुराख पर काम करेंगे तो हमें विशेष प्रकार का पौष्टिक भोजन मिलेगा जिससे हमारे पंख अधिक सुंदर होंगे और हम अधिक ऊंची आवाज में बांग दे सकेंगे. And oh, I can tell you how we can better ourselves in many different ways. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि और किस किस प्रकार से हम अपने को बेहतर बना सकते हैं. And the little pullets with their little red combs, they just cackled and said, "Isn't he a darling?" और छोटे छोटे चूजों ने अपनी छोटी छोटी लाल कलगी को खड़ा किया, खुश हुए और कहा, "ये प्रिय कितना प्यारा छोटा सा मुर्गा है, चूजा है." And they certainly admired him. और वास्तव में उन्होंने उसकी प्रशंसा करी. Oh, he is such a brilliant rooster. Oh, वास्तव में ये बड़ा होनहार, तीव्र बुद्धि चूजा है. Reminds me of some of these here seminary preachers. इससे मुझे यहाँ की धार्मिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षित प्रचारकों की याद आ रही है. Such a brilliant man. There's no need of us hanging around the rest of chickens. We all ought to go with him. वे भी ऐसा ही कहते हैं कि कितना होशियार मनुष्य है. अब हमें और चूजों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है. हमें अब इसी के पीछे पीछे चलना चाहिए. Well, before the little fellow got his speech finished, there was another little chicken. They didn't have such bright feathers. इससे पहले कि इस छोटे मुर्गे का भाषण समाप्त होता, एक दूसरा छोटा चूजा, जिसके पंख आदि उतने चमकदार नहीं थे, आया. Come running in from the rest of the chicken yard and said, "Boys, just a minute. I just heard the latest bulletin on the radio." और वो दरवे के अंदर से अन्य चूजों के मध्य से दौड़ता हुआ आया और उसने कहा. लड़को एक मिनट रुको, मैंने अभी अभी रेडियो पर ताजा समाचार सुना है. Chickens went up 4 cents on the pound. We're all going to the slaughter tomorrow. चूजों का मूल्य 1 पाउंड वजन पर 4 सेंट बढ़ गया है और कल हम सभी ज़िबा होने वाले हैं. What good your knowledge going to do? आपका ज्ञान आपकी क्या भलाई करेगा? Brother, all the knowledge that we can accumulate, what good does it do? We're 6 foot of dirt. भाइयों, वह सब जो ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं उससे हमारा क्या भला होगा? हमारा अस्तित्व 6 फुट ऊंची धूल ही तो है. Dying by inches and by minutes. प्रति क्षण एक एक इंच करके हम मर रहे हैं. Our knowledge means nothing. हमारे ज्ञान का अर्थ शून्य है. We want to know him. हम तो परमेश्वर को जानना चाहते हैं. But they do that. मगर लोग दुनियावी ज्ञान पाना चाहते हैं. As I was remarking some time ago about a certain little canary. जैसा कि कुछ समय पहले एक छोटी कनेरी चिड़िया के बारे में मैंने आपको बताया था. And he thought he knew all the knowledge that it needed to be known. जो ये सोचती थी कि वह सभी कुछ जानती है जो जानना जरूरी है. And he knew so much that he could tell all the rest of canaries about the human beings. उसने सोचा कि वो मानव जाति के बारे में इतना कुछ जान गई है कि उसे वह सब बाकी कनेरी चिड़ियों को बता देना चाहिए. So he flies up on his cage and he begins to speak about the human being, how he knew it all about them. अतः वह अपने पिंजरे से बाहर आई और उसने मानव जाति के बारे में बताना शुरू किया ताकि पता चले कि उसे उनका कितना ज्ञान है. And all of a sudden a professor from Purdue walked up and began to speak some high polished words to him. सहसा एक प्राध्यापक वहां आए और अत्यंत सुसंस्कृत भाषा में उससे बात करने लगे. And the little fellow batted his eyes and turned his head. और उस छोटी चिड़िया ने अपनी पलकें झपकाई और गर्दन झटकी. Now he had eyes, he could see the professor. अब देखिए कि उसकी आंखें उस प्राध्यापक को देख रही थी. He had ears, he could hear him. उसके कान थे, वह उनकी बात सुन भी रही थी. But of course he didn't know what he was talking about.
मगर वास्तव में उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। He's got a canary brain. क्यों? क्योंकि उसके पास एक कनेरी चिड़िया वाली बुद्धि थी। He's just a bird brain. That's all he's got. उसके पास चिड़िया वाली बुद्धि और समझ थी, बस। He hasn't got a human brain, so he can't think like human beings. उसके पास मनुष्य जैसी बुद्धि नहीं थी और वह मनुष्यों की तरह से नहीं सोच सकती थी। And neither can a human being think like God. और इसी तरह ना ही एक मनुष्य परमेश्वर की तरह से सोच सकता है। You're human. All the worldly knowledge is no more than a canary brain. आप मनुष्य मात्र हैं और सारा दुनियावी ज्ञान एक कनेरी चिड़िया के ज्ञान से अधिक नहीं है। All you do, you just hurt yourself with it. जो कुछ आप यहाँ से प्राप्त करते हैं उसी से आपको चोट पहुंचती है। You've got to have the mind of Christ. आप में मसीह की बुद्धि होना जरूरी है। The reason people go and join organizations and substitute a handshake instead of the new birth, they're trying to bypass the new birth. लोग जाकर इन नए नामधारी गिरजों और संस्थाओं में शामिल होते हैं और नया जन्म लेने के स्थान पर मात्र हाथ मिलाकर उनके सदस्य बनते हैं। इसका कारण यही है कि वे नए जन्म की बात को छोड़ देना चाहते हैं। They don't want the new birth. वे नया जन्म लेना नहीं चाहते। And they know we teach it in the Bible. So they want to substitute something for it. और उन्हें पता है कि पवित्र शास्त्र में यही सिखाया बताया गया है, इसीलिए वे इसके बदले कुछ और विकल्प बनाना चाहते हैं। And the Pentecostal people are just as bad. Trying to substitute something. और इसी तरह से पेंटिकोस्टल लोग भी उन्हीं की तरह से बुरे हैं जो नए जन्म का कुछ विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। They want it in class. It must be just so classy. वे इसमें काट छाट करना चाहते हैं, आसान और छोटा बनाना चाहते हैं। We'll shake hands and join the church and be sprinkled or baptized or something. वे कहते हैं कि हम हाथ मिलाकर सदस्यता ग्रहण कर लेंगे और छींटे का बपतिस्मा चलेगा या इसी तरह से कुछ और बातें कहते हैं। They are afraid of the new birth. वे नया जन्म पाने से डरते हैं। I sometimes believe the Branham Tabernacle is getting afraid of it. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि Branham Tabernacle नए जन्म से डरने लगा है। Now we all know that a birth, I don't care where it is or whereabouts, it's a mess. अब हम सभी जानते हैं कि जन्म चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी का भी हो, मैं परवाह नहीं करता, मगर वह होता गड़बड़ी और गंदगी के साथ ही है। If a baby is born on a shuck pile, on a hard floor, or in a paint-decorated hospital room, it's a mess anyhow. चाहे एक बच्चा पत्तियों या ढाल के बिस्तर पर, या सख्त फर्श पर, या अस्पताल के सजे संवरे गुलाबी कमरे में जन्म ले, फिर भी वो गड़बड़ी, गंदगी, घेल फेल तो मचाएगा ही। A birth of a calf, birth of anything else, is a mess. चाहे बछड़ा हो या कुछ भी हो, जिसका भी हो, जन्म तो गंदगी से भरा ही होता है। And the new birth is nothing less than a mess. और ये नया जन्म भी उससे कम नहीं है। But people are so starchy. मगर लोग बड़े छुई मुई बन गए हैं। We'll go over where they shake hands. We'll go over where they don't bawl and cry and beat on the altar and cry out. वो कहते हैं कि हम तो वहाँ जाएंगे जहाँ लोग हाथ मिलाते हैं और सदस्य बन जाते हैं, जहाँ लोग चिल्लपो नहीं मचाते, रोते चीखते नहीं और जहाँ वे वेदी पर सिर नहीं पटकते। You wanna be too human. आप बहुत अधिक सांसारिक मनुष्य अपनाए हुए हैं। What we need is birth, dying out that brings forth life. हमें तो जरूरत है नए जन्म की, पुराने मनुष्य के मर जाने की, ताकि नया जीवन आगे आ सके। A seed, an old potato. A seed potato. You take that potato and put it in the ground. आप एक पुराने आलू को लें, बीज वाले आलू को लेकर जमीन में दबा दें। Until you can have new potatoes, that old potato has to rot. जब तक वो पुराना आलू सड़ गल नहीं जाएगा, आपको नए आलू नहीं मिलेंगे। A corn cannot produce new life until it's rotten. एक दाना जब तक जमीन में सड़ गल न जाए, अपने में से नया जीवन उत्पन्न नहीं कर सकता। And a man or a woman can never have new birth until their intellectuals and their own self is rotten dead. और इसी प्रकार जब तक किसी पुरुष या स्त्री की बुद्धिमत्ता और उनका अपना अस्तित्व मर नहीं जाता, तब तक वे नया जन्म नहीं पा सकते। Die out at the altar and scream, get all messed up. Amen.
to a place of starch gets out of your collar and you're born again by the Spirit of God. परमेश्वर की वेदी पर चीखते चिल्लाते सब कुछ शोर शराबा करते जब तक आप ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच जाते कि आपके कॉलर का कलफ पसीने से खुल जाए तब तक आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं पा सकते. I don't care if you squall, speak in tongue, jump up and down, flop like a chicken with his head off. You're bringing forth new life. मुझे परवाह नहीं कि आप कुड़कुड़ा रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, ऊपर नीचे उछल कूद मचा रहे हैं, चूजे की तरह से सिर के बल लुढ़क रहे हैं या क्या कर रहे हैं. आप नया जन्म लेने जा रहे हैं. But we substituted something for it. Amen. We want the classical way. Praise God. Sure. लेकिन हमने इसकी जगह कुछ दूसरा ढंग अपना लिया है. हम शानदार तरीके चाहते हैं. वास्तव में यही बात है. The other day, Friday, wife and I was going to the store. उस दिन शुक्रवार को मैं और मेरी पत्नी बाजार जा रहे थे. I don't mean to harp on this. मेरा मतलब इस बात को बार बार कहना नहीं है. But as we went down the street, I just kept turning my head one way for the other, naked women. किंतु जब हम सड़क पर से गुजर रहे थे तो मुझे अपना सिर कभी इधर कभी उधर घुमाना पड़ा क्योंकि वहाँ नग्न औरतें थीं. I promised God when I was a blind man, if He'd heal my eyes, I'd look at the thing was right. जब मैं अंधा हो गया था तो मैंने परमेश्वर से वादा किया था कि यदि वो मेरी आंखें चंगी कर देगा तो मैं हमेशा इनसे सही चीजें देखा करूंगा. I keep a little cross hanging in my car. और मैंने अपनी कार में एक छोटी सलीब लटका रखी है. When I see such as that, I'll look at the cross and say, Oh God, that's my refuge. As I looked at the cross. जब इस प्रकार की गंदी चीजें मेरे सामने आती हैं, तो मैं उस सलीब की ओर देखकर कहता हूँ, हे परमेश्वर, ये सलीब ही मेरा शरण स्थल है. I've seen those women. मैंने उन महिलाओं को देखा. Mary said, we haven't seen one woman today that's got on a skirt. मैडा ने कहा, आज हमने एक भी ऐसी महिला नहीं देखी जो स्कर्ट पहने हो. And she said, Bill, look at that woman there, with those little straps around the top of her body. और उसने कहा, बिल, जरा उस महिला को देखो जो अपने शरीर पर वस्त्रों की जगह वे छोटी सी पट्टी लटकाए है. You mean to tell me that woman don't know that's wrong? मैडा ने आगे कहा, आपका मतलब है कि ये महिला नहीं जानती कि ऐसा करना गलत है. Said if she doesn't know it's wrong, then she's out of her right mind. यदि ये नहीं समझती कि ये गलत है तो फिर उसका दिमाग खराब हो गया है. I said, just a minute, honey. She is an American. मैंने कहा, प्रिय, एक क्षण रुको, वह अमरीकी है. She does as the Americans do. वे वैसा ही कर रही है जैसा अमरीकी महिलाएं करती हैं. I said I was in Finland not long ago, sweetheart. मैंने कहा, प्रिय, अधिक दिन नहीं हुए जबकि मैं फिनलैंड में था. And I questioned there to a man that set me down, Dr. Manninen. वहां मैंने डॉक्टर मैनिनन से एक प्रश्न पूछा था जिनके उत्तर ने मुझे निरुत्तर कर दिया था. And we were going to the health bath. What's called the sunda. हम लोग वहाँ स्वास्थ्य स्नान के लिए जा रहे थे जिसे वहाँ सौना कहा जाता है. And they take you in and pour hot water on hot rocks and it just sweats you. वे वहाँ पर ऊपर एक चट्टान के ऊपर से गर्म पानी डालते हैं जो आप पर गिरता है और उससे आप पसीने पसीने हो जाते हैं. Then they make you jump in ice water and then back out. तब वे आपको ठंडे पानी में डुबाएंगे, कुदाएंगे और फिर बाहर वापस ले आएंगे. Then you take you into a room and there's nurses and there are women who scrub the man and them naked. Send them back into the pool. इसके बाद वे आपको एक कमरे में ले जाएंगे जहां नंगी औरतें या नर्सें होती हैं और वे पुरुषों की देह को रगड़ रगड़ कर साफ करती हैं और फिर उन्हें वापस उन्हें तालाब में स्नान करने भेज देती हैं. I wouldn't go in. मैंने कहा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा. I said, Dr. Manninen, that's wrong. मैंने कहा, डॉक्टर मैनिनन, ये सब बहुत गलत है. He said, All right, then, Reverend Branham, that's wrong. डॉक्टर मैनिनन ने उत्तर दिया, पादरी ब्रैनम, ठीक है, माना कि ये गलत है. Then how about your American doctors that'll strip a woman naked and lay her on the table and examine every sex organ she's got? मगर उसका क्या है जब आपके अमेरिकी डॉक्टर एक स्त्री को पूरी तरह नंगा करके उसे मेज पर लिटाकर उसके प्रत्येक अंग का निरीक्षण करते हैं? How about your nurses in the hospital? और अस्पतालों में आपकी नर्सों की क्या हालत है? I said, excuse me, brother Manninen, you're right. मैंने कहा, भाई मैनिनन, मुझे क्षमा करें, आप ठीक कह रहे हैं. What is it? It's customs. ये सब क्या है? ये रीति रिवाज है. When I was in Paris, I could hardly believe it that the urinals for both men and women were the same one.
जब मैं पेरिस में था तो मैं बड़ी मुश्किल से इस बात पर विश्वास कर पाया कि वहाँ पुरुष और स्त्रियों के लिए एक ही शौचालय होता है, अलग अलग नहीं होते। I couldn't understand it that the restrooms was on the side of the street for both male and female. मैं इस बात को कतई नहीं समझ पाया था कि सड़क के किनारे आराम करने के लिए स्त्री और पुरुषों के लिए एक ही कमरे होते थे, अलग अलग नहीं। I couldn't believe that when women went to the beach to go swimming, a boy and his sweetheart. मैं यकीन नहीं कर पाया था कि जब कोई स्त्री अपने बॉयफ्रेंड के साथ समुद्र तट पर तैरने और स्नान करने जाती थी। They had no dressing rooms. They just took all their clothes to the last garment, then turned their backs and put on a little strap and went swimming. But it's so. उनके लिए वहाँ ड्रेसिंग रूम नहीं थे। वे अपने सभी वस्त्र अंतिम वस्त्र तक उतार कर पीठ पे फेर कर एक छोटी सी पट्टी बांध कर तैरते रहते थे। अजीब है पर ऐसा है। They pay no attention to it. It's a custom of France. लोग उन पर कोई ध्यान नहीं देते, ये साधारण सी बात है और फ्रांस का रिवाज है। In Africa, women and men, young and old, no clothes at all, walking through the prairies. अफ्रीका में स्त्री पुरुष बूढ़े जवान बिना कोई भी वस्त्र पहने मैदानों में घूमते फिरते हैं। Never know what a restroom was or things or never went out of each other's sight. वे जानते तक नहीं कि आराम कक्ष क्या होते हैं, वहां वे कभी किसी से कुछ भी पर्दा नहीं करते। But they don't know the difference. They don't know the difference. ये वस्त्र पहनने या ना पहनने में कोई अंतर होता है। But it's customs of nations. देशों के अपने अपने रीति रिवाज हैं। But I said, honey, we are different. We're from another nation. मैंने कहा, मगर प्रिय, हम भिन्न हैं। हम एक दूसरे देश के वासी हैं। We are pilgrims and strangers here. That's what makes these things look so wrong. हम तो यहाँ अजनबी और यात्री हैं, तभी तो हमें ये सब इतना गलत दिखाई देता है। For the Bible said they that profess such plainly show that they are pilgrims and strangers. They are seeking a city to come. क्योंकि पवित्र शास्त्र बताता है कि जो ऐसा सोचते हैं और मानते हैं वे यही प्रकट करते हैं कि वे यहाँ अजनबी और यात्री हैं और वे एक नए नगर की खोज में हैं। A man or woman in Italy, in France, in Africa, in any other nation that's ever born again of the Holy Ghost don't do those things. इटली, फ्रांस, अफ्रीका या किसी भी देश की महिलाएं या पुरुष जो पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पा चुके हैं उस तरह की हरकतें नहीं करते। They won't wear those clothes. वे उस तरह के वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। They won't act like that because they're of another nation whose ruler and maker is God. वे उनकी तरह से व्यवहार नहीं करते हैं क्योंकि वे दूसरे देश के वासी हैं, जिसको बनाने वाला और उस पर राज्य करने वाला स्वयं परमेश्वर है। We are from heaven. हम स्वर्ग के वासी हैं। The spirit that's within you motivates your life. आपके अंदर जो आत्मा होती है वही आपके जीवन को निर्देशित करती है। If you are American, you'll do as Americans do. यदि आप अमरीकी हैं तो वैसा ही करेंगे जैसा अमरीकी लोग करते हैं। If you are French, you'll do as the French do. And criticize the other. यदि आप फ्रांसीसी हैं तो आप उन फ्रांसीसी लोगों की तरह करेंगे और दूसरों की आलोचना करेंगे। But if you are of God, you'll do the way they do in heaven. Because your spirit comes from above and it controls you. किंतु यदि आप परमेश्वर के हैं तो आप वैसा ही करेंगे जैसा वहाँ स्वर्ग में होता है, क्योंकि आपकी आत्मा आपको ऊपर ही से मिलती है और वो आप पर नियंत्रण रखती है। A little something you might look at. एक छोटी सी बात पर आप ध्यान देकर उसे पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। In the scripture, those who sought this new city acted different. वचन में आप देखेंगे कि जिन्होंने इस नए नगर को पाना चाहा उन्होंने भिन्न तरह से व्यवहार किया। They professed that they were pilgrims and strangers. उन्होंने माना कि वे इस दुनिया के लिए अजनबी और यहाँ यात्री की तरह से हैं। But on the side of Cain they become fugitives and renegades. किंतु यदि आप केन की वंशावली देखें तो पाएंगे कि वे भगोड़े और नास्तिक और अपना धर्म त्याग देने वाले लोग बने। But Christians were pilgrims and strangers. किंतु मसीही लोग अजनबी और एक यात्री के समान ही रहे। A fugitive has no home. A renegade is a horrible person. एक भगोड़े व्यक्ति का कोई घर नहीं होता और अपना धर्म त्याग कर नास्तिक बना व्यक्ति बड़ा भयंकर होता है।
But a pilgrim is something real and from a real land in another nation trying to find his way home. वास्तविक जान पड़ता है और वो किसी दूसरे देश की जमीन से आया दिखाई देता है जो वापिस अपने वास्तविक घर में जाने की कोशिश करता रहता है. Professing by his living that he has something that he's from another country. वो अपने जीवन व्यवहार से यही बताता है कि वह किसी दूसरे नगर का वासी है. There is the reason. उसका एक कारण है. But yet those people who do so, those people who wear those things. किंतु फिर भी जो लोग वैसा करते और उसकी तरह की चीजें पहनते हैं. Let me tell you, in South Africa, when I saw 30,000 raw heathens, naked blanket natives. मैं आपको बताता हूं कि दक्षिणी अफ्रीका में मैंने 30,000 लोगों को अपनी सभा में देखा जो कि विशुद्ध नास्तिक पूजा पाठ करने वाले पूरे नगन और ठेठ आदिवासी थे. 16, 18, 20 year old girls, boys with not one stitch of clothes. उनमें 16, 18, 20 वर्षीय लड़के लड़कियां थे जिनके शरीर पर वस्त्र का एक टुकड़ा तक न था. Standing there with mud in their faces and painted up. वे वहां खड़े थे, उनके चेहरों पर मिट्टी पुती थी और रंगे हुए चेहरे थे. Bones through their nose and blocks of wood hanging from their ears. उनकी नाक के नथुने में हड्डियां और कानों में लकड़ियों के टुकड़े झूल रहे थे. Cross human bones or some bones in their hair. और उनके सिर के बालों में हड्डियां खोसी गई थीं. Animal's teeth hanging over them. जानवरों के दांत उनके शरीर में जगह जगह लटके हुए थे. Naked as they come into the world and didn't know it. वे इस प्रकार से नंगे थे जैसे अपने जन्म के समय और इस नंगेपन से पूरी तरह अनजान थे. But when they received Christ and fell on their face and received the Holy Ghost, किंतु जब उन्होंने मसीह को ग्रहण किया और मुंह के बल गिर गए और पवित्र आत्मा पाया, they got up and folded their arms to hold shame to their bosom as they walked away and found clothes to put on. तो खड़े होकर उन्होंने अपने हाथों से अपने शरीर को ढापा और शर्मिंदगी अनुभव करी और फिर वहां वस्त्र उन्हें मिले जो उन्होंने पहन लिए. They become pilgrims and strangers to this world. Amen. Hallelujah. वे इस दुनिया के लिए यात्री और अजनबी बन चुके थे. Hallelujah. They were away from it. Yes, sir. वे दुनियादारी से दूर हट चुके थे. जी हाँ. Oh yes. These people call themselves Christians. They belong to churches. Oh, और आज लोग अपने आप को मसीह कहते हैं. वे विभिन्न नामधारी गिरजों के सदस्य हैं. They go and say, "We are Methodists. We're Baptists. We're Pentecostal." We're Seventh-day Adventists, we're this, that, the other. वे सच्चाई से परे हटकर भी कहते हैं कि हम मेथोडिस्ट हैं, हम बैप्टिस्ट हैं, हम पेंटिकोस्टल हैं, हम सेवंथ-डे एडवेंटिस्ट हैं, हम ये हैं, वे हैं, कुछ और हैं. That doesn't have one thing to do with it. इससे जरा भी कुछ मतलब नहीं है. Your spirit, the life that's in you, motivates and tells what you are. आपकी आत्मा और जीवन जो आपके अंदर है, वही आपको प्रेरित करता और बताता है कि आप क्या हैं. Jesus said, "By their fruit you shall know them." यीशु ने कहा था कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे. The church has become like Israel first. आज कलीसिया इज़राइल की तरह से हो गई है. They seen all the heathen nations having a king. God was their king. परमेश्वर उनका राजा था, मगर उन्होंने देखा कि सभी पूजा पाठ करने वाले देशों के पास अपना अपना राजा था. And they seen the heathen nations having king. So they wanted to act like the heathen nations and they bought themselves a king. जब उन्होंने देखा कि दूसरे पूजा पाठ करने वाले देशों के पास अपना अपना राजा है, तो उन्होंने उनकी नकल करनी चाही और अपने लिए एक राजा चुन लिया. And as they did it, और जो ही उन्होंने ऐसा किया, they got in trouble. वो परेशानी में फंस गए. Gradually began to come in. धीरे धीरे परेशानी और कष्ट होता गया. Gradually the world began to slip into them. धीरे धीरे दुनियादारी उनके अंदर समाती चली गई. Finally ended up in Ahab. और जिसका अंत जाकर आहाब के रूप में हुआ. One king coming just a little closer to it and finally squeezed the life out of him. एक एक करके आने वाले राजा दुनियादारी में धीरे धीरे इतना फंसते चले गए कि वास्तविक जीवन उनके अंदर से गायब हो गया. There they went and when the real king came, they didn't know him. और जब वास्तविक राजा इस दुनिया में आया तो वे उसको पहचान नहीं पाए. That's the same thing the church has done. कलीसिया ने भी ऐसा ही किया. It's adopted. Here you are. It's adopted politics
Educations. उसने भी वही सब किया और उसकी वर्तमान हालत का कारण भी यही बात है. It's adopted organizations, society, big churches. Amen. Hot concluding preachers. उसने राजनीति और शिक्षा को अपना लिया है. उसने संस्थाओं, समाज, बड़े बड़े गिरजों, उच्च वर्ग, प्रचारकों आदि को अपना लिया है. And when the real king comes, they don't know him. और जब वास्तविक राजा उनके पास आता है तो वे उसे पहचान नहीं पाते. And they're crucifying the very Holy Ghost that's their king. और वे उसी पवित्र आत्मा को फिर से सूली पर चढ़ा देते हैं जो कि उनका राजा है. They don't know him. Hallelujah. But they laugh at him and make fun of him. वे उसे नहीं जानते मगर उस पर हंसते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं. As the Jews did their Messiah, the church is doing their Messiah the same way. जैसे यहूदियों ने अपने मसीहा के साथ किया था वैसे ही ये गिरजे अपने मसीहा के साथ कर रहे हैं. They don't know it. वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं. They haven't got the spiritual insight because they're so indoctrinated with their eyes and what they see, great buildings, trying to compare with the world. उनके पास देखने के लिए आत्मिक दृष्टि नहीं है क्योंकि जो कुछ वे देखते हैं, बड़े बड़े भवन, गिरजों की ऊंची इमारतें, उनसे उनकी दृष्टि इतनी जुड़ चुकी है कि वे आत्मिक बातों की तुलना दुनिया की बातों से करने लगते हैं. We are never exalted to compare with the world. हम कभी भी अपनी दुनिया से तुलना करने को प्रेरित नहीं होते. We're exhorted to humble ourselves. हम तो स्वयं को और अधिक नम्र बनाने को प्रेरित होते रहते हैं. And one is a majority in God. और देखिए कि परमेश्वर की दृष्टि में एक की संख्या भी बहुमत होती है. In the day in the healing evangelists out on the fields, there's such a competitors. आज जो प्रचारक चंगाई आदि देते हैं उनमें कैसी कैसी प्रतियोगिता या होड़ पाया जाता है. One says, well, bless God, I have so many thousands. I got a bigger meeting than you have. एक कहता है परमेश्वर आशीष दे मेरे पास कई हजार लोग हैं, मेरी सभा तो आपकी सभा से बहुत बड़ी है. What difference does that make? We have one or one million. What difference does it make? चाहे हम एक हों या हजारों हों, इससे क्या अंतर पड़ेगा? Are we true to God? Are we true to His word? क्या हम परमेश्वर के प्रति सच्चे हैं? क्या हम उसके वचन के प्रति सच्चे हैं? Do we stand under test of the Holy Spirit? क्या हम पवित्र आत्मा द्वारा परखे जाने पर खरे उतरते हैं? Is it true? That's the main thing. क्या ये सब बातें हैं? ये बातें खास हैं. ये बातें सच हैं. But we compromise upon the Bible. हम मगर पवित्र शास्त्र की बातों पर समझौते करते हैं. Lot of our Pentecostal people upon the fundamental doctrines of this Bible compromise. हमारे बहुत से पेंटिकोस्टल लोग पवित्र शास्त्र की बुनियादी बातों पर समझौता किए हैं. I don't want to hurt feelings. I'm in my own church. मैं अपनी कलीसिया में बोल रहा हूँ इसलिए किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता. Now I feel that I can do just what in my church because I'm preaching the gospel. और मैं सोचता हूँ कि चूंकि मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ और अपनी कलीसिया में हूँ वैसा नहीं करना चाहिए. But there's tens of thousands of Pentecostal preachers know that there's no such a thing in the Bible as a baptism in the name of Father, Son, Holy Ghost. मगर कहना पड़ता है कि हजारों पेंटिकोस्टल प्रचारक इस तथ्य से परिचित हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में कोई भी बपतिस्मा पवित्र शास्त्र में नहीं दिया गया है. I challenge the archbishop for anybody to show me where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. मैं आर्चबिशप या किसी को भी ललकार रहा हूँ कि वे मुझे दिखाए कि कहाँ, कब किसी को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपाधियों में बपतिस्मा दिया गया है. But they compromise because these organizations has did so. किंतु वे लोग इस बात पर इसलिए समझौता किए हैं क्योंकि उनकी संस्था ने ऐसा माना है और वो ऐसा कहती है. There's not one person in the New Testament and for 300 years afterwards of history of what was baptized in the name of Jesus Christ. नए नियम में और उसके बाद के 300 वर्षों में इतिहास में यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे को छोड़कर और किसी भी रीति से एक भी व्यक्ति को बपतिस्मा नहीं दिया गया. What is it? Organization. That's did it. Compromising. फिर ये सब क्या है? संस्था में स्वयं को जोड़ना है, संस्थागत होने से ऐसा हुआ है, यही समझौता करना है. And today they took all the street workers off the streets. आज उन लोगों ने सड़कों पर प्रचार करने वालों को हटा दिया है. They took the tambourine out of the church. और ढपली जैसे साज को गिरजों से बाहर कर दिया है. They've taken all the glory out of the church. उन्होंने गिरजों से उसकी सारी महिमा बाहर कर दी है. And got seminaries preaching little old
रूस्टर कॉम प्रीचिंग और धार्मिक शिक्षण संस्थानों से सीखी काम चलाओ वचन प्रचार करने की रीति अपना ली है. All polished in society and their women wearing shorts and dresses that they're skinned into. जो सुसंस्कृत समाज से प्रभावित हैं और उनकी स्त्रियां कोट पहनती पैंट पहनती हैं भद्दे ढंग से वस्त्र पहनती हैं और ये सब उनमें गहराई तक समा गया है. And men smoking cigarettes and gambling and telling dirty jokes. और पुरुष धूम्रपान करते चुआ खेलते अश्लील मजाक करते हैं. It's a disgrace in the sight of God. ये सब परमेश्वर की दृष्टि में कलंक है. I know that's rough, but it's time somebody said something. मैं जानता हूँ कि ये बातें चुभने वाली हैं, मगर समय आ पहुँचा है कि कोई तो कुछ कहे. Compromising, giving in, acting like the world. लोगों ने समझौते कर लिए हैं, स्वयं को समर्पित करके वे दुनिया की तरह से व्यवहार कर रहे हैं. I don't care if I have to stand alone with nobody but God alone. I'll preach the truth of God's Bible and stand by it. मैं परवाह नहीं करता यदि मेरे साथ केवल परमेश्वर को छोड़ और कोई भी न रहे, फिर भी मैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की सच्चाई ही प्रचार करूंगा और उसी का पक्ष लूंगा. If I die, I'll still stand for the truth. Praise the Lord. We want truth. यदि मैं मर भी जाऊं तो भी मैं सच्चाई का ही पक्ष लूंगा. वास्तव में हमें सच्चाई ही चाहिए. I'll measure up not according to the church, but according to the word of God I want to measure up. मैं इन गिरजों के हिसाब से नहीं वरन परमेश्वर के वचन के हिसाब से सब कुछ तोलना चाहता हूँ. But Delilah, did you notice? She knew that Samson had a power. किंतु क्या आपने ध्यान दिया कि दलीला को पता था कि शिमशोन के पास एक विशेष बल है. And she didn't know where that power lay. और उसे पता नहीं था कि उसका बल कहाँ छुपा है. She couldn't tell what that power was. वो ये नहीं बता सकती थी कि वो बल है क्या. But there was some great power that Samson possessed, and she wanted to find it. किंतु शिमशोन के पास एक बड़ी शक्ति थी और वह उसका पता लगाना चाहती थी. And as Delilah, she kept wooing Samson after her beauty. दलीला अपने सौंदर्य के द्वारा शिमशोन को फंसती रही. Oh, she dressed herself real sexy. वो वासना उत्तेजक वस्त्र पहनती थी. She walked before him and she teehee'd like some of the little teenagers of the day and so forth. और आजकल की किशोर आयु लड़कियों की तरह से उसके सम्मुख इठलाकर चलती थी. They would just act like something other striptease, trying to woo Samson to her. और जब आप कुछ विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं तो वो वैसा ही होता है मानो दलीला शिमशोन को विवाह के झांसे में फांस रही हो. That's the same thing the world's done to the church. दुनिया ने ऐसा ही कलीसिया के साथ किया है. Now where is your great power? उसने पूछा कि तेरा बल कहाँ है ऐ कलीसिया. Well, if we'll organize, that'll break the power. The Catholic Church done it. यदि हम संगठित हो जाएं संस्था में नामधारी गिरजों में ढल जाएं तो हमारा बल घट जाएगा. ये काम कैथोलिक गिरजों ने किया. But the Philistines is only Samson and a Luther canal. पलिश्ती तेरी घात में है शिमशोन. जब ये कहा गया तो लूथर उबर कर आया और उसने रस्सियों को तोड़ डाला. And he organized again. If you buy me with another card, it'll hold me. So they did. अगर तुम मुझे अब की बार बांधोगे तो मेरा बल जाता रहेगा. उन्होंने फिर नामधारी गिरजा बना लिया. And the Philistines only Samson. What happened? Wesley came out and broke the card. शिमशोन पलिश्ती तेरी घात में है. क्या हुआ फिर. वेस्ली आया और उसने रस्सियों को तोड़ डाला. Now you've deceived me all along. Don't you know I love you, Samson? तूने मुझे अब तक धोखा ही दिया है. क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ. All right, tell me the truth in your heart. अपने हृदय का भेद मुझे बता दे. All right, you buy me with another cord. ठीक है, तुम मुझे एक बार फिर दूसरी रस्सियों से बांधो. All right, now we'll do that. What is that? That's the denominational cord. ठीक है, हम ऐसा ही कर देते हैं. ये क्या है. ये नामों वाले संस्थागत गिरजे या डिनोमिनेशंस की रस्सियां हैं. You let me be free and I ain't got no denomination. Then I tell you have me broke. तुम मुझे स्वतंत्र कर दो ताकि मेरा कोई डिनोमिनेशन ना रहे. तब मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगा और तुम मुझे बांध सकोगे. So how come the Pentecostals? Amen. Where's your power? तब इस तरह से पेंटिकोस्टल आए. तेरा बल कहाँ है. Philistines be upon me and he broke the cords. Again, शिमशोन पलश्ती तेरी घात में है और उसने एक बार फिर से रस्सियों को तोड़ डाला. But now what happened? It's got the Pentecostals. किंतु अब क्या हुआ. उसने पेंटिकोस्टल लोगों को भी लपक लिया है. The big doctors of divinity for their pastors. Some great man. उनके पादरी लोग बड़े आदमी
और दिव्यता के पंडित बनाकर भेजे जाते हैं। They've got just as much school and ritual as the Methodists or Baptists or any of the rest of them's got. उनके पास भी उतने ही बड़े बड़े धार्मिक शिक्षा और रीति रिवाज सिखाने वाले स्कूल हैं जितने मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट या और किसी के भी पास हैं। Go into a church and you can't hear an amen. Just as cold as a bunch of Eskimos right off the North Pole. आप उनके गिरजों में जाएं और आपको एक भी आमीन नहीं सुन सकते आप वहाँ। वहाँ लोग इतने ठंडे नजर आएंगे मानो उत्तरी ध्रुव के एस्किमो लोग बैठे हों। Cold, indifferent. इतने ठंडे, इतने साधारण सामान्य से। And now the Philistines is on thee, Samson. और अब शिमशोन पलिश्ती तेरी घात में है। The Philistines is on thee, America. अमेरिका पलिश्ती तेरी घात में है। Where is that oneness of spirit? वो एक आत्मा वाली एकता कहाँ है? Where is the oneness of Pentecost? पेंटेकोस्ट के दिन की एकमत होने वाली स्थिति कहाँ है? The assemblies of God and then united in the Church of God and this, that, and the other. आज Assembly of God, United Church of God, और यह वह आदि कितने नामों में पेंटेकोस्टल बढ़ चुका है? Each one with a different is and this one with that and this one with that. प्रत्येक के पास एक दूसरे से भिन्न मत हैं। We're so broke up that you can go into a city, the whole revival of one church sponsors the rest of them won't even attend. एक दूसरे से एकदम भिन्न हैं हम इस प्रकार से टुकड़ों में बट चुके हैं कि अगर एक गिरजा कहीं पर कोई बेजारी की सभा करे तो दूसरे उसमें भाग तक नहीं लेते। The communist is upon the America. अमेरिका साम्यवाद तेरी घात में है। Where is our power? Where is our glory? हमारा बल कहाँ है? हमारी महिमा कहाँ है? What is it? Because we went after the wisdom of man instead of the power of God. ये सब क्या है? इसलिए कि हमने मनुष्यों की बुद्धि पर परमेश्वर की सामर्थ्य से अधिक विश्वास किया। While we got our preachers and things are so stiff and starchy, till they've organized us till we're so starchy and stiff-necked. क्योंकि उन्होंने हमारे प्रचारकों आदि को बहुत शुष्क और रूखा बना दिया और हमें संस्थाओं में संगठित कर दिया है जिससे हम सभी शुष्क प्रकृति वाले अक्कड़ू लोग बनकर रह गए हैं। The people, do you ever hear a shout in the church anymore? और इसीलिए अब गिरजों में आप लोग जय जयकार और स्तुति का कोई शोर सुन नहीं पाते। You never hear anybody cry. आप कभी किसी को पश्चाताप करते रोते नहीं देखते। The mourners' benches put in the basement. रोने वालों की कुर्सियां तहखानों में डलवा दी गई हैं। There's no more glory in the church. इन नामदारी कलीसियाओं में अब कुछ महिमा बाकी न रही। All we do is sit back as stiff as we can be. अब तो बस हम इतना करते हैं कि पीछे चुपचाप तनकर बैठे रहें, जितना खामोश बैठ सकते हैं। We're not free, we're bound. हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम बंधनों में जकड़े हुए हैं। The devil with his modernistic demons has bound the church of the living God. That's right. शैतान ने आज जीत परमेश्वर की कलीसिया को आधुनिकता के शैतानी बंधनों में बांध रखा है। There's no more power in the church. There's no more freedom. ये सच है कि वहाँ अब कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। The people so starchy and stiff. लोग एकदम से शुष्क और ढीले हो गए हैं। While the God can come into the midst of Pentecostal people and show that He's God and prove His signs of His resurrection and don't even shake them. परमेश्वर पेंतिकोस्त लोगों के बीच आकर दिखाता है कि वो ही परमेश्वर है और अपने जीवित होने के सबूत और चिन्ह उन्हें दिखाता है, मगर ये सब कुछ उन्हें जरा भी हिला नहीं पाता, कोई उत्तेजना नहीं होती। What's a disgrace? नहीं, ये उन पर कलंक है। Walk across the country, God working, performing signs. मैं सारे देश में घूमता रहता हूँ, परमेश्वर अपना काम करता है, चिन्ह दिखाता है। And people sitting. Well, I guess that's all right. Oh, I know it can be done. और लोग खामोश बैठे रहते हैं, बस कहते हैं, ठीक है, मैं सोचता हूँ ये बात ठीक है। ओह, मुझे पता है ऐसा हो सकता है। It doesn't move them. Why? They're bound with the lie of the world. They're in fetters. लोग इन बातों से विचलित नहीं होते, उनमें कोई हलचल नहीं होती, क्योंकि वे लोग दुनिया रूपी दलीला के द्वारा बने हैं, उनके पांव हाथों में बेड़ियां पड़ी हैं। Now if you got him into a bound him into a confederation. अब तो वो उसे विभिन्न गिरजों के एक राष्ट्र संघ या परिसंघ में बांधने जा रहे हैं। The Philistines are on the Samson. What you going to do about him? शिमशोन पलिश्ती तेरी घात में है, तू इस बारे में क्या करने जा रहा है? Oh, we've got great denominations, sure. ओह, हमारे पास बड़े बड़े नामों वाले गिरजे हैं, वास्तव में हैं। We have greater membership than we ever had.
हमारी सदस्य संख्या इतनी बढ़ गई है जितनी पहले कभी नहीं थी. But where's the Spirit? Where's the Holy Ghost? किंतु आत्मा कहाँ है, पवित्र आत्मा कहाँ है? That's what the devil has done. शैतान ने यही सब तो कर दिया है. It's wooed into the church. It's kept wooing the church. Come to me. I'll give you a great big tabernacle over here if you'll just do this. उसने गिरजे को, कलीसिया को विवाह का निमंत्रण दिया. उसने उसे प्रलोभन दिया है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक बड़ा शानदार गिरजा घर बना कर दूंगा यदि तुम ऐसा ऐसा करोगे. If you'll get rid of that fanatic preacher you got and get a man, a doctor, divinity, he's got some sense, we'll build a nice big classical church and we'll be like the rest of them. यदि तुम उस पागल सन की प्रचारक को भगा दो और दिव्यता के पंडित की उपाधि वाला कोई ऐसा प्रचारक चुन लो जो समझदार हो, तो हम एक बड़ा शानदार चर्च बनाएंगे और दूसरों की तरह बन जाएंगे. Shame on you. आपको तो शर्म आनी चाहिए. Amen. You'll have a man that didn't know split coffee from beans, but was filled with the Holy Ghost. Amen. That was uncompromised by the power of God. इससे तो आपके पास एक ऐसा प्रचारक होना चाहिए जो चाहे फलियों में से कॉफी बीनना ना जानता हो मगर पवित्र आत्मा से भरा हो, जो परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण हो और समझौते न करता हो. But it's got also starchy. That some poor saint can break through in the meeting and speak in tongues or shout a little bit. किंतु लोग आज कितने ठंडे, ढीले और शुष्क हो गए हैं कि जब कोई बेचारा मसीही संत उनके यहाँ जाकर सभा में अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगता है या थोड़ा सा भी स्तुति या जय जयकार करता है or do something, and the rest of them all gander around and look. या कुछ ऐसा सा व्यवहार करता है तो सारे लोग नरहंसों की तरह से उसे घेर कर देखने लगते हैं. What was that? Well, wonder why that must be a fanatic dropped in somewhere. ये क्या था भाई, आश्चर्य है, क्यों किया इसने ऐसा? ये जरूर कोई सनकी है जो कहीं से यहाँ पर चला आया है. You know that's the truth. आप जानते हैं कि ये बात सच है. Some poor saint step in, get happy enough to raise their hands and cry and praise the Lord. कोई बेचारा संत गिरजे में जाता है, परमेश्वर के भवन में आकर खुश होकर प्रशंसा करता है, अपने हाथ उठाकर जय जयकार करता है और प्रभु की तारीफ करने लगता है. Somebody who will holler amen to the preaching of the gospel. कोई तो वचन सुनकर बीच में आमीन आमीन चिल्लाता है. And the rest of them turn around to see what he said. That's Pentecostals. तो बाकी सभी लोग मुड़कर उसे देखने लगते हैं कि क्या वह क्या कह रहा है. ये आज के पेंटिकोस्टल लोगों का हाल है. What's the matter? You're patterned after the Methodist, after the Baptist. They pattern after the Catholic. Catholic pattern after hell. मामला क्या है? आप मेथोडिस्ट और बैप्टिस्टों के नमूने पर चल रहे हैं, वे लोग कैथोलिक नमूने पर चले और कैथोलिक नरक के नमूने पर चला. And all together, all after hell. Right. और सभी मिलकर अंत में नरक की ओर चल रहे हैं. ये बात ठीक है. The liar has wooed you into big churches, fine educated ministers, take the better class. दलीला ने आज बड़े बड़े गिरजों, बढ़िया शिक्षित सेवकों और उच्च वर्ग के रूप में आपको विवाह प्रस्ताव पेश किया है. Well, you know, so-and-so down here is a millionaire. If we could just get him to come into our congregation. वह कहती है, अमुक अमुक श्रीमान करोड़पति है, यदि हम उसे अपने गिरजे में ला सकें तो. Oh my! If he isn't born again, then he doesn't deserve to be there. हे प्रभु, यदि वो नया जन्म पाया जन नहीं है तो वह उसके लिए अयोग्य गिना जाना चाहिए. I don't care if he's got $1 million. If he owns 40 Cadillacs, whatever he's got. मुझे इस बात की परवाह नहीं कि उसके पास करोड़ों डॉलर हैं या 40 कैडिलॉक कारें हैं, चाहे उसके पास जो कुछ भी हो. He's got to be born again, come right down to a new birth and be regenerated by the Holy Ghost. उसे नया जन्म लेना होगा, नए जन्म को पाने के लिए बढ़ना होगा और पवित्र आत्मा के द्वारा नई सृष्टि बनना होगा. And come out of there in a new birth, snotting, excuse me, of crying and screaming and carrying on like the rest of them, and live a life afterwards to prove he's got it. और फिर वर्तमान स्थिति से नया जन्म पाकर बाहर आकर रोते चिल्लाते जैसा कि और करते हैं आना होगा और फिर अपने नए जीवन से साबित करना होगा कि उसे नया जन्म मिल गया है. आमीन. आमीन. That's what you need. आमीन. यही वो बात है जिसकी आपको जरूरत है. Samson, the Philistines is upon thee. शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है. The communist is upon thee. The world's upon thee. The devil's upon thee. साम्यवादी तेरी घात में है, दुनिया तेरी घात में है, शैतान तेरी घात में है. They go back and they see the Spirit of God perform miracles and do things of his resurrection, what Jesus promised.
वे लोग वापस मुड़कर देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आश्चर्य कर्म दिखा रहा है, उसके जीवित होने की बातें सत्य प्रकट कर रहा है, जैसा कि यीशु ने वायदा किया था। मगर वो कहते हैं, आप देखिए कि मैं सोचता हूँ भाई ब्रैनम को मस्तिष्क पढ़ने की विद्या का ज्ञान है। My pastor said it was of the devil. मेरा पादरी कहता है कि ये शैतान की ओर से। You poor hypocritical deluded infidel, all polished up. You wolf in sheep's clothes. तुम दरिद्र पाखंडी बहकाए हुए नास्तिक सुसंस्कृत लोगों, तुम जो भेड़ों की खाल में भेड़िए हो। Jesus said, if you don't know me, you don't know my day. यीशु ने कहा था कि यदि तुम मुझे जानते तो मेरे इस दिन को भी जान लेते। But you got a bunch of Sauls that try to make you like the rest of the world. मगर तुम तो शाऊल जैसे लोगों का झुंड हो जो बाकी दुनिया के लोगों की तरह बनने की चेष्टा करता रहता है। We want a bunch of men of God who don't compromise on the word but preach the truth and stand on the baptism of the Holy Spirit. मगर हमें तो परमेश्वर के लोगों की तलाश है जो वचन के बारे में कोई समझौता न कर सकें, वरन सत्य वचन प्रचार करें और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के पक्षधर हों। But what has the world done? It's shaved all your power off. किंतु दुनिया ने क्या किया है? उसने आपकी सारी सामर्थ और शक्ति मूंड दी है। You were born Nazarite Pentecost, but the world certainly shaved your power. आपका जन्म एक नाजरीन पेंतेकोस्त के रूप में अवश्य हुआ था, मगर दुनिया ने आपकी सारी सामर्थ मूंड कर साफ कर दी है। Now it's just as starchy as the rest of them. अब आप बाकी लोगों की तरह से ढुलमुल लोग बन गए हैं। What are we going to do? What's going to happen? ऐसे में हम क्या करने जा रहे हैं? क्या होने जा रहा है? There's one glorious thing that I can think of in this text. इस विषय को समाप्त करने के लिए मैं एक शानदार बात सोच रहा हूँ। While Samson was bound, जब शिमशोन बंधनों में जकड़ा था, we can't have a revival. हम में कोई बेदारी नहीं आ सकती। Listen to our loyal brother Billy Graham. Revive in our day. जरा हमारे निष्ठावान भाई बिली ग्राहम की बातें सुने जो कहते हैं कि हमारे दिनों में बेदारी आई। Listen to Oral Roberts' scream. Revive in our day. ओरल रॉबर्ट की चीख सुने, हमारे दिनों में बेदारी जागी। Listen to the rest of them. Revive in our day. बाकी सभी की बातें सुने, सभी कहते हैं कि हमारे दिनों में बेदारी आई है। How can we have a revival when we're bound? जब हम बंधनों में जकड़े हैं तो बेदारी कैसे आ सकती है? We bound the Holy Spirit with our organizations and traditions, and we can't have a Holy Ghost revival. हमने पवित्र आत्मा को अपनी नामदारी संस्थाओं और समय बनाई गई प्रथाओं में जकड़ डाला है और हमें पवित्र आत्मा से भरी बेदारी नहीं मिल सकती। Man, I know that's scorching hot with the weather, but it's the truth. आमीन। मुझे पता है कि ये बातें झुलसाने वाली गर्म बातें हैं, मगर ये सच है। How can we have a Holy Ghost revival when you're so bound and starchy? आपको पवित्र आत्मा वाली बेदारी कैसे मिल सकती है जबकि आप इस तरह से बंधनों में हैं और ढीले ढाले शुष्क हैं? Form of godliness, the Bible said it had. Form of godliness, but would deny the power thereof. पवित्र शास्त्र कहता है कि वे भक्ति का वेश तो भरेंगे पर उसकी शक्ति को न पहचानेंगे। The power of what? Amen. The power of the organization? The power of the world? The power of the church? किसकी शक्ति को, किसकी सामर्थ को? क्या संस्थागत गिरजों की सामर्थ, क्या दुनिया की सामर्थ, क्या इन नामधारी गिरजों की सामर्थ? The power of the Holy Ghost. That's the secret place in the church. नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ यही कलीसिया में का गुप्त स्थान है। And when the church adopts educated preachers and big buildings and finery instead of the old fashioned Holy Ghost, it better be in a mission again. जब कलीसिया शिक्षित प्रचारकों और बड़े भवन वाले गिरजों और अन्य बढ़िया कही जाने वाली चीजों को अपनाती है बजाय इसके कि पुरानी चाल की पवित्र आत्मा को अपनाए, तो वहाँ फिर से किसी नई मिशन में ढलने लगती है। आमीन, ये सच है। How you going to have a revival of the Holy Ghost and people quench it and bound it and afraid of it? आप पवित्र आत्मा की बेदारी कैसे पा सकते हैं जबकि लोग उसे बुझाते हैं, बांधते हैं और उससे भयभीत होते हैं? There's where the trouble lies. यहीं पर सारी परेशानी पैदा होती है। The Philistines is on me. फिलिस्ती तेरी घात में है शिमशोन। But the one blessed hope we have, while Samson was in jail. मगर एक आशीषित आशा हमारे पास है, जब शिमशोन जेल में था। What's the first thing they'd done when they caught him? उसे पकड़ने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया? They bound him first. They took his power away. They found his secret.
उन्होंने उसे बांधा, उन्होंने उसकी शक्ति उसे छीन ली, क्योंकि उन्हें उसका रहस्य पता चल गया था। They found your secret. The world found your secret. उन्हें आपका भेद पता चल गया है, दुनिया को आपका भेद मालूम हो गया है। Now you women all bob your hair, go like the world. आप महिलाओं जो अपने बाल काटती हैं, ये दुनिया की तरह चलना है। You men all go and act like the world, all right, tell jokes and dirty jokes and go out and smoke a few cigarettes. पुरुषों, आप लोग दुनिया की तरह से व्यवहार करते हैं, अश्लील मजाक करते हैं, बाहर जाकर सिगरेटें पीते हैं। And run out with the neighbor's wives and everything else like that. A little sociable drink to hold your job. और पड़ोस की स्त्रियों के साथ घूमते फिरते हैं और इसी तरह के काम करते हैं और अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में सामाजिक संबंध बढ़ाने हेतु शराब पीते हैं। I'd rather lay on my belly and eat soda crackers and drink branch water and stay clean and pure before God than to compromise for any kind of a job. इसके बजाय मैं खाली पेट पकड़कर बैठे रहना और किसी धारा में बहता जल पीना, मगर परमेश्वर की दृष्टि में साफ और पवित्र बने रहना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि नौकरी बनाए रखने के लिए वचन के विरुद्ध समझौते करूं। Stay true to God. ये बात ठीक है, सच है, परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहिए। Samson, the Philistines is on thee. शमशोन, पलस्ती तेरी घात में है। Branham Tabernacle, worldlyism is creeping in among you. Branham Tabernacle, दुनियादारी तुझ में घुसने लगी है। What about it? Have you exposed your secret? ये क्या हो रहा है? क्या तूने अपना भेद प्रकट कर दिया है? Have you exposed that secret that God gave you when you were wallowing there in the sawdust a few years ago? क्या तूने वो रहस्य बता दिया है जो परमेश्वर ने तुझे तब दिया था जब तू मिट्टी में पड़ा कुछ वर्ष पूर्व रेंग रहा था? Have you let it creep out the social formal worship? क्या तूने सामाजिक स्तर की औपचारिकता पूर्ण उपासना और आराधना के द्वारा उस भेद को खोल दिया है? What's happened to you? तुझे क्या हो गया है? God can come down and perform a miracle and go right down to the audience and tell people the secrets of their hearts and everything. परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर यहाँ लोगों के मध्य आश्चर्यक्रम दिखाता है, सभा में ठीक लोगों के बीच में चलता फिरता है, उनके हृदयों के गुप्त विचार प्रकट करता है और सभी कुछ करता है। And heal the sick and afflicted and do signs and wonders and preach his word as hard as he can by the Holy Ghost. और बीमारों को चंगा करता, दुर्बलों को ठीक करता, अद्भुत चिन्ह दिखाता और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा इतना प्रभावशाली वचन प्रचार करता है। And people say, well, I guess that's all right. और लोग बस इतना कहते हैं, मैं सोचता हूँ ये सब ठीक है। We enjoy listening to it once in a while if we're not too tired. कभी कभी ऐसा वचन सुनने में हमें आनंद आता है, मगर यदि ये लंबा और थकाने वाला ना हो। That's Branham Tabernacle. Branham Tabernacle आज ऐसा ही है। The Philistines is on thee. पलस्ती तेरी घात में है। When used to be when the preaching of the word and the old saints with the tears in their eyes would rise to their feet and walk sobbing. जब ऐसा होता था कि वचन प्रचारा जाता था और पुराने संत लोगों की आंखों में आंसू भर आते थे, वे सुबकते हुए खड़े होते और इधर उधर बेचैन से टहलने लगते थे। Maybe not saying a word, just walking around two or three times and sit down. So filled with the Holy Ghost, the word fed them. चाहे मुझसे एक शब्द भी न कहें, बस एक दो बार इधर उधर चल फिर कर दोबारा चाहे अपने स्थान पर बैठ जाएं, पवित्र आत्मा से पूरी तरह भरे होते थे वो लोग, तब वचन के द्वारा उन्हें आत्मिक भोजन प्राप्त होता था और वो तृप्त किए जाते थे। Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मगर हर एक उस बात से जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है जीवित रहेगा। Philistines is on thee, Branham Tabernacle. Branham Tabernacle, पलिश्ती तेरी घात में है। Philistines is on you, Pentecostal. पलिश्ती तुम्हारी घात में है, ये पेंटिकोस्टल। Of course, the Philistines got you, rest of you. Long time ago, when you organized yourself so tight. हकीकत में पलिश्ती लोगों ने बहुत पहले तुम्हें तब थाम लिया था जब तुमने स्वयं को संस्थागत गिरजों में डिनोमिनेशन में कसकर संगठित किया था। Nothing could come unless you was a Presbyterian, Baptist, Methodist, Catholic or something. उस सख्त बंधन से होकर कुछ भी अंदर नहीं जा सकता था जब तक कि कोई Presbyterian, Methodist, Baptist, Catholic या इसी तरह का कुछ और न हो। You wouldn't have nothing to do with the rest of them. आपको उस समय बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। So revival in our day, how can we have it? When the regular revival giver is bound by the world. अतः हमारे दिनों में बेदारी जागी, ये कैसे संभव है? हमें बेदारी क्यों कर मिल सकती है जबकि बेदारी देने वाला इस दुनियावी बातों के द्वारा बांध दिया गया है। God won't come in where the world is. You can just depend on that. आप इस बात को निश्चित तौर से स्वीकार कर लें कि परमेश्वर वहां नहीं आ सकता जहां दुनियादारी है। You associate with the world, then it's all of it. आप स्वयं को जब दुनिया से जोड़ते हैं तो उसका संबंध आपसे खत्म हो जाता है।
When you let the world creep in, you go to act and act the world, then you are finished. जब आप दुनिया की तरह से व्यवहार करने लगते हैं, दुनियादारी की बातों को अपने अंदर आने देते हैं, तो तब ही आप समाप्त हो जाते हैं. But when you cut loose every fetter from the world and come to God, God will use you until you go to flirting again. किंतु जब आप दुनियादारी के प्रत्येक खूंटे को काटकर उससे छूट जाते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर आपको अपने लिए उस समय तक इस्तेमाल करता है जब तक कि आप फिर से इधर उधर भटकने ना लगे. Here's the only hope that I have this morning to wind up my message is this. अपने इस सुसमाचार को समाप्त करते हुए आज प्रात मेरी समझ में बस एक ही आशा बची है. While Samson was bound, a new shock of hair grew down. कि जब शिमशोन बंदी गृह में था तो उसके बालों की नई लटें फिर से उगने लगी थी. God send us another church just before the end time. परमेश्वर ने अंत समय आने से एकदम पहले हमें एक और कलीसिया दे दी है. That the power of the Holy Ghost can come into her in the demonstrations of the Spirit in Mark 16 can follow the church. ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसमें आकर पवित्र आत्मा को जीवंत प्रकट करे और मरकुस 16 अध्याय कलीसिया में जीवंत प्रमाणित हो. Acts 2 and 4, Acts 2:38, all of it will be following right along with the church. प्रेरितों के काम 2:4, 2:38 आदि कलीसिया के अंदर एकदम साथ साथ क्रियाशील होते रहे. Signs and wonders accompany the apostles. प्रेरितों के साथ चिन्ह और अद्भुत आश्चर्य क्रम प्रकट होते रहे. Great signs of his resurrection accompany him. उसके फिर से जिंदा होने के महान चिन्ह लोगों के साथ रहे. While we're in prison, surely God's growing a crop somewhere for the last great kill. जबकि हम बंदी गृह में हैं, तो वास्तव में परमेश्वर कहीं ना कहीं एक फसल तैयार कर रहा है ताकि उसके बाद सब कुछ नाश किया जाए. May it be you, my Christian friend, here this morning. May it be your strength has begun to grow. मेरे मसीही मित्रों, काश आज प्रात वो फसल आप बने, काश आपका बल फिर से बढ़ना शुरू हो जाए. I pray that this message this morning and out into the land of where this will go. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज प्रात ये सुसमाचार, ये संदेश जहाँ कहीं भी बाहर दूसरे स्थानों तक सुना जाए. I trust that this message will help bring the vitamin to your system that will grow a spiritual power back into your life again. मैं भरोसा रखता हूं कि काश ही आपके तौर तरीकों में पौष्टिक विटामिन की तरह से घुलकर आपकी सहायता करे और आपके जीवन में फिर से एक आत्मिक सामर्थ्य पैदा कर सके. Let us bow our heads and pray. आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें. O Lord God, creator of the heavens and the earth, the author of everlasting life and the giver of every good and spiritual gift. हे प्रभु परमेश्वर, तू जो पृथ्वी और आकाश का रचने वाला, अनंत जीवन का रचयिता और प्रत्येक भला और आत्मिक दान देने वाला है, Take these words this morning and place them into the heart and water them, Lord. इन वचनों को लेकर लोगों के हृदय में बो दे और उन्हें अपने जल से सींच प्रभु. May the people pray over these things, seeing that the world has booed the church. काश लोग इन बातों के बारे में प्रार्थना करें और देख पाएं कि दुनिया ने कलीसिया को विवाह प्रलोभन दे रखा है. And it's finally found its power, found its secret place, found where its secret lies, and has shaved it off. और अब अंत में उसकी शक्ति का पता कर लिया है, उस भेद को पा लिया है, पता कर लिया है कि वह गुप्त स्थान कौन सा है जहां बल छुपा है, और फिर उसे मूंड दिया है. Has taken the peoples that once shouted the victory, once had the victory. उसने ऐसे लोगों का सफाया कर दिया है जिन्होंने कभी विजय घोष किया था और जो विजयी थे. And shaved them off to stay home on Wednesday night to watch a television program. लोगों को ये बात और विचार देकर मूडा है कि वे बुधवार की रात प्रार्थना सभा में ना जाएं, घर में बैठे दूरदर्शन कार्यक्रम देखते रहें. Taking the joy out of their hearts and giving more love for the world than they have for God. उनके हृदयों से खुशी छीन कर परमेश्वर के लिए प्रेम की जगह दुनिया के प्रति प्रेम भर दिया है. Has given more world for worldly, more desire for worldly entertainment than to have the preaching of the gospel. उनको और अधिक दुनियावी इच्छाएं दे दी हैं, दुनियावी मनोरंजन की अभिलाषाएं दी हैं, बजाय इसके कि उनमें सुसमाचार प्रचार सुनने की इच्छा हो. If there's not a great band and a lot of carrying on and hooping and carrying on, then they don't want the old gospel anymore.
आज अगर वचन प्रचार में दुनियावी शोर शराबा न हो, काम चलाऊ शब्द व बातें न हो, चिल्लाहट और ठसके न हो, तो वे पुराने सुसमाचार को सुनना ही नहीं चाहते. That brings tears of joy to the soul. That brings divine healing back. ऐसे सुसमाचार को सुनने से मना कर देते हैं जो प्राणों को खुशी के आंसू देता है और दिव्य चंगाई देता है. That restores the apostolic gifts to the church. जिससे कलीसिया में प्रेरितों वाले दान फिर से मिलने लगते हैं. That brings in the risen Christ, the Messiah of this day. जो आज के दिनों के मसीहा को, जीवित मसीह को कलीसिया में फिर से ले आता है. But as Israel was bound by their kings, that they could not follow the real king. जिस प्रकार से इजरायली अपने दुनियावी राजा के बंधनों में इस प्रकार बंधे कि वास्तविक राजा को पहचान ही न पाए. And the real king, when he came, they didn't recognize him. So is it today, O Lord. और असली बादशाह जब आया तो उसे पहचान न सके. यही हालत आज है, हे प्रभु. The king of glory has appeared in the form of the Holy Ghost. And Lord, they don't know it. They don't recognize it. महिमा का राजा पवित्र आत्मा के रूप में आया और प्रभु लोग उसे नहीं जानते, उसे पहचानते तक नहीं. They're so organized, so tight that they do not understand it because it's not in their organization. वे इस प्रकार से संस्थागत गिरजों के बंधनों में कसकर जकड़े हुए हैं कि वे ये सब समझते ही नहीं, क्योंकि ये सब उनके गिरजों के द्वारा नहीं आया है. Lord, this is a work of the devil. It's done this to the people. प्रभु, ये शैतान का काम है जो उसने इन लोगों के साथ किया है. May the Samson of God, may the true in heart, those who are longing and crying and pleading and holding on. काश परमेश्वर के चुने शिमशोन, काश हृदयों के सच्चे लोग जो इच्छुक हैं, रोते चिल्लाते और याचना निवेदन करते हैं. May they stay with the Lord until this new crop grows out. काश वो तेरे इस वचन के साथ टिके रहें जब तक कि नई फसल ना उगाए प्रभु. Until there comes forth again a joy in Zion. जब तक सिय्योन में फिर से आनंद ना आ जाए. And there comes forth a group that can recognize and understand. और जब तक लोगों की एक मंडली ऐसी ना आ जाए जो तुझे पहचान सके, समझ सके. That can see the Messiah and the hidden powers that's hid from the world that they will not understand now. जो कि मसीह और उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ को पहचान सके जो दुनिया नहीं जानती और जिसे वे अभी नहीं समझ पा रहे हैं. Grant, Lord, that they'll see this, for we ask it in Jesus' name. Amen. प्रभु, इस प्रार्थना को स्वीकार कर ताकि लोग ये सच्चाई देख सकें, क्योंकि इसे हम यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. Our just now, O Lord, send the power just now and baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send the power just now and baptize everyone. How I love Him. Just send His power. परमेश्वर, मैं उसे कितना प्रेम करता हूँ. उसकी सामर्थ हमारे मध्य में भेजिए. They were in the upper chamber all with one accord. वो चेले उस उपरोटी कोठरी में थे और सभी एक मत थे. All the world had drained out of them. उनमें से सारी दुनियादारी बाहर निकल चुकी थी. They were emptied up and the Holy Ghost came. वे एकदम खाली कर दिए गए थे, तब पवित्र आत्मा उतर आया. The day they say, come join the church. Put your name on the book. आज लोग कहते हैं, आओ गिरजे के सदस्य बनो, अपना नाम सदस्यता पुस्तक में लिखवाओ. Or bow down and say, I confess Christ as the Son of God. या सिर झुकाकर बस यूं कहो, मैं मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में मानता हूं. Get up, the devil does the same thing. Certainly. अब खड़े हो जाइए, शैतान भी ऐसा ही करता है वास्तव में. The devil was baptized when Judas was baptized.
जब यहूदा इस्करियोती ने बपतिस्मा लिया तो शैतान ने भी बपतिस्मा लिया था। The devil went out and preached the gospel when Judas went out and preached the gospel. जब यहूदा ने जाकर बाहर सुसमाचार प्रचार किया तो मानो वो सुसमाचार प्रचार शैतान ने ही किया था। But the devil didn't get the Holy Ghost. लेकिन शैतान पवित्र आत्मा नहीं पा सका था। That's it. There's where the hidden power is at. यही बात है, यही वो स्थान है जहाँ गुप्त बल छुपा है। That resurrection, that no positive beyond a shadow of doubt. जिससे यीशु का पुनः जीवित होना एकदम पक्का और जरा भी संदेह बिना सत्य का पता चल जाता है। आमीन। He's here. That same Holy Ghost, that one was on the Messiah, still on His church. He never leaves. वो यहाँ है, वही पवित्र आत्मा जो मसीह के ऊपर था, अभी भी अपनी कलीसिया में है, वो कभी छोड़ता नहीं। I'll be with you always. Even in you, to the end of the world, I'll be there. उसने कहा था, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ, वरन तुम्हारे अंदर होऊंगा। The works that I do shall you also. More than this shall you do, for I go unto my Father. ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, वरन इससे भी अधिक काम तुम करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। But the world compromises it. All those are days past. Just what the devil wants you to do. किंतु दुनिया समझौते करती और कहती है वे दिन तो बीत गए, ये गुजरे दिनों की बातें हैं, ये वही बात है जो शैतान आपसे चाहता है कि आप इस प्रकार सोचें। They want you to glamorize. God wants you baptized. God wants you. You say, "Oh, I don't believe all that they're carrying on." Go ahead, live in your sin. Live in your sin. आप कहते हैं, "Oh, मैं इन सब बातों पर कुछ यकीन नहीं करता, जाइए और जाकर पापी जीवन बिताइए, पापों में लिप्त रहिए। But until you rot, till you rot to your own ideas, till you rot to your own fashions, and be regenerated again and born again. मगर याद रखिए, जब तक आप बीज की तरह सड़गल न जाएं, आपके विचार फैशन वाली बातें सड़गल न जाएं, खत्म न हो जाएं, आप में फिर से नए जीवन की शुरुआत न होगी, नया जन्म न मिल सकेगा। And that new life will be altogether different from the one that went down. और ये नया जीवन उस जीवन से पूरी तरह भिन्न होगा जो जमीन में गाड़ा गया था। A grain of corn goes down yellow. It comes up green. अनाज का एक पीला दाना जमीन में जाता है और हरे रंग का होकर उभरता है। Goes down hard, cased in. It comes up flexible and blowing with the wind. जब गाड़ा जाता है तो वे सख्त और कड़ा होता है, मगर जब उगकर आता है तो वो नम्र और बहती हवा के साथ इधर उधर झूलने वाला बन जाता है। ओ ग्लोरी, हालेलुया, ओ महिमा होवे, हालेलुया। When the winds begin to blow, the grain can't do them but move itself, shift. जब हवा चलती है तो दाना और कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि हिले, अपने को ढीला और नम्र करे। But the little blade flexes and rejoices, grows and strengthens itself. और पत्तियां आनंदित होती बढ़ती और बलवान होती जाती हैं। It can never become a blade until the corn is dead and rotten. जब तक दाना जमीन में जाकर सड़गल कर अपना अस्तित्व समाप्त न कर ले, वो पत्ती के रूप में कभी नहीं ढल सकता। Not only dead but rotten. ना केवल मरना जरूरी है, मगर सड़ना भी है। Can't come back no more. But life comes out of it. वो स्वयं तो वापस नहीं आता, मगर उसमें छिपा जीवन फिर से उग आता है। As I said a while ago, a birth is a horrible thing. Filthy. Dirty. The filth is not filth. But that's where life lays. जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा था कि कोई भी जन्म बड़ा भयंकर गंदगी भरा और मैला होता है, मगर उसी में तो जीवन छिपा होता है। When you reckon yourself filthy, जब आप स्वयं को मैला और गंदा गिनेंगे, reckon your Methodist, Baptist and Pentecostal creeds filthy, die out at the altar, then new life comes in. जब आप अपने मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और पेंतिकोस्तल आदि के मतों और सिद्धांतों को गंदा मैला गिनने लगेंगे और स्वयं को परमेश्वर की वेदी पर समाप्त कर देंगे, तब नया जीवन आप में आएगा। The Holy Spirit makes you in above that. You see God. पवित्र आत्मा आपको नए जीवन में प्रवेश कराता है और तब आप परमेश्वर को देख पाते हैं। We shall see him some glorious day. हम उसे किसी महिमा में शानदार दिन को देखेंगे। Someday, beyond the reach of mortal ken, We'll see him. किसी दिन इस मरणशील दृष्टि की सीमा से परे हम उसे देखेंगे।
You believe that? क्या आप इसका विश्वास करते हैं? Someday beyond the reach of mortal ken, there waits for me a glad tomorrow. किसी दिन इस मानवीय मरणशील दृष्टि से परे कोई खुशनुमा कल मेरी प्रतीक्षा कर रहा है. I was standing up here on the corner last night and thought I seen little Rabbi Lawson. पिछली रात मैं यहाँ एक कोने में जब खड़ा था तो मैंने सोचा कि मैं रब्बी लासन को देख रहा हूँ. When he used to be down here, he'd reach around his old cane and pull me with his neck, around my neck with his cane, up here to the pulpit. मुझे याद है जब वे यहाँ आते और उनके साथ उनकी पुरानी सी छड़ी होती जिसको वो मेरी गर्दन में फंसा कर मुझे उधर मंच तक खींच ले जाते थे. Sing that song, there waits for me a... और तब हम गीत गाते थे, मेरे लिए वहाँ कोई प्रतीक्षा कर रहा है. Something happened. It's taken the world out. Amen. I begin to see things different. फिर कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे मेरे अंदर से दुनिया की सारी बातें गायब हो गईं और मैं दूसरे ही दृष्टिकोण से चीजों को देखने लगा. I've worried so much about the way these American people are doing. मैंने इन अमरीकी लोगों के क्रियाकलापों पर बहुत चिंता करनी शुरू कर दी थी. Constantly year by year, seeing women and men how they degrading themselves and getting out into sin. I almost had a breakdown two or three times worrying over it. लगातार प्रतिवर्ष साल दर साल इन पुरुषों स्त्रियों के पापों को देखकर मैं किस प्रकार से उनका नैतिक पतन होता जा रहा है मैं चिंता करते करते दो तीन बार तो बिल्कुल ही टूट गया और बीमार हो गया. Yesterday I said to God, I'm not worrying no more. और कल ही मैंने परमेश्वर से कहा था मैं अब आगे से चिंता नहीं करूंगा. Your word said it would be so, but I'll stand in the breach and call against it. तेरा वचन कहता है कि ऐसा ही होगा किंतु मैं बीच में खड़ा होकर इसके विरुद्ध अपनी ताकत भर बोलता रहूंगा. Other day standing up at Green's Mill, my cave way back into the wilderness, been praying all day. उस दिन मैं पूरे दिन अपनी ग्रीन मिल वाली गुफा में प्रार्थना करने के बाद जो कि जंगल में है वहाँ खड़ा था. About 3 o'clock the sun was setting. I was standing up there looking across, come out of the cave up on a big rock. मैं गुफा से बाहर आकर एक बड़ी चट्टान पर खड़ा था. उस समय 3 बज रहे थे, सूरज चमक रहा था, मैं उस पार देख रहा था. मैं वहाँ खड़ा पूरब दिशा की ओर देख रहा था और प्रभु की प्रशंसा कर रहा था. और पहाड़ों की चोटी पर उगे पेड़ों के पीछे नीचे की ओर जाते सूरज को मैं देख रहा था. Just as still as it could be. मैं घाटी के उस पार छोटी छोटी घाटियों की ओर देख रहा था. बीच में पत्तों के समूह थे मगर सब कुछ एकदम शांत था. And I said, Lord, one day you hit Moses in the cleft of the rock. And you passed by him because he was weary. और मैंने कहा, प्रभु, एक दिन तूने मूसा को चट्टान की दरार में छिपाया था और तू उसके पास से गुजरा था क्योंकि मूसा बहुत टूटन और थकान अनुभव कर रहा था. But you passed by, said, looked like the back of a man. जब तू उसके समीप से गुजरा तो मूसा ने कहा था किसी मनुष्य की पीठ सी दिखाई दी. I said, hide me in the cleft, Lord. मैंने कहा प्रभु मुझे भी दरार में छिपा ले. About that time, over to one side of me, there come a little wind moving down through the bushes. उसी समय मेरे एक और ऊपर से झाड़ियों में से हवा गोल गोल घूमती हुई नीचे को आई. It moved right along, come right down to the side of me, a little wind moving down, went down through the woods. I stood there. वो ठीक उस प्रकार चलती रही मेरे पास होकर एक हवा का गोला सा नीचे चलता चला गया और पेड़ों में होता हुआ गायब हो गया. मैं वहाँ खड़ा रहा. Someday God only knows just where or when the wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion Hill someday beyond the reach of mortal kin. Someday God only knows just where when. What's going to happen? She's going to close all these little wheels turning. The wheels of mortal life shall all stand
to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. If you get there before I do, coming far to carry me home, tell Brother Bosworth and all my friends too, just coming far to carry me home. Now swing low, she'll dip down someday to pick me up. There, every tree will be afire. वह आपका रथ परमेश्वर के अग्नि में स्वर्गदूत मुझे लेने आएंगे। One of these days in the low parts of my death hours, I look for him to come in. That's right. मेरे प्यारे रथ और नीचे उतर मुझे घर ले चल। इन दिनों में किसी दिन जब मैं मृत्यु के निकट पहुंचूंगा, मैं उसे आता देखने का इंतजार करूंगा। ये सच बात है। I looked over Jordan. What did I see? Coming for to carry me home. Like old Elijah looking over Jordan. मैंने यरदन के पार देखा और क्या देखा, मुझे घर ले जाने के लिए वह आ रहा है, जैसे एलिया रथ यरदन के उस पार देख रहा था। A band of bright angels coming after me, they were coming for to carry me home. Swing low, get down low, sweet chariot. Coming far to carry me home, swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. The Lord Jesus, the blessed driver of this chariot. प्रभु यीशु इस रथ का आशीषित कोचवान है। The pilot over the old ship of Zion, the boat of life. वही सिय्योन के पुराने जहाज और जीवन की नौका का नाविक है। Moving down through the building, speaking, his presence is here. वह इस भवन में इस समय घूम रहा है, बात कर रहा है, वो यहाँ उपस्थित है। The very Holy Spirit that raised him from the grave is here. वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को कब्र में से जीवित किया यहाँ मौजूद है। We didn't give out no prayer cards. Is there anybody here who come from out of town that I don't know? क्योंकि आज उन्होंने कोई प्रार्थना कार्ड जारी नहीं किए हैं, क्या यहाँ शहर से बाहर से आया कोई व्यक्ति है जिसे मैं नहीं जानता? That's sure to be prayed for. Raise up your hands that I don't know. Raise your hands up. I don't know. और जो प्रार्थना करवाना चाहता है अपने हाथ उठाइए कि मैं आपको नहीं जानता। इस बात की पुष्टि हाथ उठाकर करें कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। You there. I believe the little fellow with the mustache back there. Somebody raise your hand back in that way. आप उधर छोटे से सज्जन मूछों वाले पीछे बैठे हुए, किसी ने पीछे से हाथ उठाया था? Yeah, you? Did you raise your hand? All right. Back there you, sir. All right. जी, अच्छा, आपने हाथ उठाया था? ठीक है, पीछे बैठे। अच्छा, आप श्रीमान ने हाथ उठाया था? ठीक है। You all strangers to me? आप सभी मेरे लिए अजनबी हैं? That Lord Jesus is the same shepherd of the flock here? Amen. You believe his promises are true? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु जो आज भी इस गल्ले का चरवाहा है, उसके वादे सच हैं? वो अपनी कलीसिया को अभिषिक्त करके कहता है, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। Even greater than this shall you do, for I go unto my Father. वरन इससे भी अधिक काम करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। More than this, you believe that? तुम इनसे भी अधिक काम करोगे, क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं? Did you raise your hand that you didn't know me? क्या आपने अपना हाथ उठाकर बताया था कि आप मुझे नहीं जानते? You believe God can tell me what's in your heart, can speak to me just like he did the woman touched his garment?
क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे आपके हृदय की बात बता सकता है और मुझे वैसे ही बता सकता है जैसे उसने उस स्त्री को बताया था जिसने उसका वस्त्र छुआ था? You believe he's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities? क्या आप विश्वास करते हैं कि वह महायाजक है जिसे हम अपनी कमियों सहित छू सकते हैं? If God will reveal to me your conditions, will you believe me to be his prophet? यदि परमेश्वर मुझे आपके हृदय का हाल बता दे तो क्या आप विश्वास करेंगे कि मैं उसका नबी हूँ? Believe in his presence you here and that's why he permits it. क्या आप विश्वास करेंगे कि उसकी उपस्थिति यहाँ है और इसी कारण वो ऐसा करने की अनुमति दे रहा है? You're praying for your wife. She's got a broken hip, dislocated hip. That's right. आप अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है, अपने स्थान से खिसक गई है, ये बात सच है। That's right, raise up. All right, go find her well. Amen. यदि ये सच है तो खड़े हो जाइए, ठीक है, जाइए और उन्हें चंगा पाइए, आमीन। What about you back there, little fellow raised up with head and mustache? You believe with all your heart? आपके बारे में क्या है, आप जो पीछे बैठे हैं, जिनकी मूछें हैं और जिन्होंने हाथ उठाया था, क्या आप पूरे हृदय से उस पर विश्वास करते हैं? You believe God can tell me your troubles? क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर मुझे आपका कष्ट बता सकता है? You believe your son will get all right? You do? क्या आपको विश्वास है कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा? आप विश्वास करते हैं? You got a boy. He's got cerebral palsy. That's right. आपके एक बेटा है जिसको लकवा मार गया है, ये बात सच है। You're not, it's from Kentucky. That's right, raise up your hand. I don't know you do. If I do raise your hands like this, we don't know one another. That's right. आप कंटकी प्रदेश से हैं। यदि ये बात सच है तो अपना हाथ उठाइए। मैं आपको नहीं जानता। क्या जानता हूँ? हम एक दूसरे को नहीं जानते। अपने हाथ उठाइए। इस प्रकार ये ठीक है। Trust in God, you believe? परमेश्वर पर भरोसा रखिए। क्या आप विश्वास करते हैं? As you believe, find your boy the way you believe. Just put your own your heart. जैसा आप विश्वास करते हैं अपने बेटे को चंगा पाइए, इस बात को दिल में बसा लीजिए। Who was here raised up your hand? Was it you? All right, mister, do you believe me to be God's prophet? इधर यहाँ किसने हाथ उठाया था कि मैं उन्हें नहीं जानता? क्या आपने? ठीक है श्रीमान, क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का नबी हूँ? You do with all your heart, you don't have to get up, just stand right there. क्या आप पूरे हृदय से यकीन करते हैं? आपको इधर आने की जरूरत नहीं, बस वहीं खड़े रहिए। All right, sir, what's your trouble? You've got sugar diabetes and it's bothering your foot. ठीक है श्रीमान, आपको क्या कष्ट है? आपको मधुमेह रोग है और इससे आपके पैर में कष्ट है। You're from Ohio. Your name's Mr. Miller. आप ओहियो प्रांत से हैं, आपका नाम श्रीमान मिलर है। Go back home and get well. All right, be with all your heart. All right. घर जाइए और चंगाई पाइए, ठीक है, अपने पूरे हृदय से विश्वास कीजिए, ठीक है। You believe? If you can believe. क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास कर सकें तो। The lady sitting here, you raise your hand, big lady. Glasses on. महिला आप जो यहाँ बैठी हैं, क्या आपने हाथ उठाया था? लंबी सी महिला जो चश्मा पहने हैं। You believe with all your heart? You believe me to be God's servant? You do? All right. क्या आप दिल से विश्वास करती हैं? क्या आप विश्वास करती हैं? क्या आप विश्वास करती हैं कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ? आप विश्वास करती हैं? अच्छा, ठीक है। If God can tell me what's your trouble, you believe? Heart trouble. यदि परमेश्वर मुझे आपका कष्ट बता दे तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगी? दिल का रोग है आपको। All right, raise up your hand if that's right. All right. ठीक है, यदि बात सच है तो हाथ उठाइए, ठीक है। The lady here next to you raised up her heart, was really her eyes, I know her. All right, if thou canst believe. आपके बराबर वाली महिला खड़ी हो जाइए, हृदय रोग नहीं, वास्तव में आपकी आंखों में तकलीफ है, मैंने जानता हूँ, ठीक है, चंगाई पाइए यदि आप विश्वास कर सके तो। Back there, the next man back there has got heart trouble too and a skin disease. पीछे की ओर बैठे अगले व्यक्ति, उनको हृदय रोग है और चर्म रोग है। You believe that God will make you well? You do, sir? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा? आप विश्वास करते हैं श्रीमान? There's a man back there somewhere raised up his hands and didn't Mr. Schubert. वहाँ पीछे किसी ने अपना हाथ उठाया था, श्रीमान श्यूअर्ड। All right, sir. All right. You believe? ठीक है श्रीमान, ठीक। क्या आप विश्वास करते हैं? It's for your eyes also, isn't it? You're praying for your mother sitting out there also. If that's right, raise up your hand. आपकी आंखों में कष्ट है क्या? नहीं, आप बाहर बैठी अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि ये सच है तो हाथ उठाइए। We're strangers, is that right? Shake your hand to one another. All right, that's right. If you can believe, you can receive. हम अजनबी हैं, क्या ये सच है? आप लोग आपस में हाथ मिलाइए, एक दूसरे से हाथ मिलाइए, ठीक है, अगर आप विश्वास करें तो चंगाई ग्रहण कर सकते हैं। The risen Jesus Christ is in the building. He's the same one. जीवता यीशु मसीह भवन में है, वह वही यीशु है। What does it do to you? Have you let the world sap all the strength out of you? इससे आपको क्या मिल रहा है? क्या आपने दुनिया को अपना सारा बल निकाल लेने दिया है? Glory! Amen. I want new birth. I want new life.
महिमा होवे। मैं नया जन्म चाहता हूँ, नया जन्म पाना चाहता हूँ। I don't care what plane it comes on if I have to be a holy roller. Amen. Anything. नया जन्म किस तरह मिलेगा मुझे परवाह नहीं, चाहे मुझे पाखंडी धार्मिक जन भी कहा जाए तो परवाह नहीं, कुछ भी कहा जाए मुझे परवाह नहीं। I don't care what plane it comes on. I want the real Holy Ghost that's on me now. I want to keep it. मुझे परवाह नहीं कि किस वाहन पर वो आएगा, वो नया जन्म कैसे आएगा। मैं तो वास्तविक पवित्र आत्मा पाना चाहता हूँ, जैसा कि पवित्र आत्मा अभी मेरे ऊपर है, मैं इसे हमेशा अपने अंदर चाहता हूँ। I'd rather have it than all the things of the world. Amen. Amen. मैं दुनिया की सारी चीजों के बदले में बस इसे ही पाना चाहता हूँ। आमीन। Do you believe? Do you believe it's here? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो यहाँ है? Lay your hands on one another. तब एक दूसरे पर अपने हाथ रखिए। Tell me one more thing he could do. Nothing. मुझे बताइए कुछ और बात जो यीशु कर सकता है या आप चाहते हैं सिवाय पवित्र आत्मा पाने के? कुछ नहीं। Have faith now. Believe it's over. अब भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए, सब कुछ ठीक हो गया है। Lord God, creator of heavens and earth, author of eternal life and giver of all good gifts. प्रभु परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, अनंत जीवन के निर्माता, सभी उत्तम बलिदानों का देने वाला। The spirit is here so anointing, Lord. Looks like the buildings are breathing. Moving back and forth. आपके पवित्र आत्मा ने इस प्रकार से हमें अभिषिक्त किया है मानो प्रभु ये भवन प्राणवान होकर सांस ले रहा हो और आगे पीछे हिल रहा हो। Why can't the people understand it, Lord? प्रभु लोग इसे समझ क्यों नहीं पाते? How they associated with the world so much and got so cold and formal and starchy till they can't know you anymore? क्या लोग दुनिया से इस कदर जुड़ चुके हैं और इतने अधिक औपचारिक और ठंडे रूखे हो गए हैं कि वह अब आपको जान ही नहीं सकते? Lord God, may this power strike everyone and every sick person be healed, every sinner saved. God get glory. प्रभु परमेश्वर होने दीजिए कि आपकी ये सामर्थ्य यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन को, प्रत्येक बीमार व्यक्ति को छुए, उन्हें चंगाई दे, प्रत्येक पापी जन बचाया जाए और परमेश्वर को महिमा मिले। Through Jesus Christ, the Son of God, I ask it. Amen. मैं इस प्रार्थना को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। Do you believe it? Raise up your hands. क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं? अपने हाथ उठाइए। You accept your healing. Amen. God bless you. क्या आप अपनी चंगाई को ग्रहण करते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। Now go and find it just the way you believe it'll be that way. अब जाइए और अपनी अपनी समस्याओं के समाधान, चंगाई अपने अपने विश्वास के अनुसार वैसे ही पाइए, वैसा ही आपके लिए होगा। I see visions breaking over others. That's right. I gotta come back tonight. मैं दूसरों के बारे में बहुत से दर्शन देख रहा हूँ, क्या ये सच है? आज रात सभा लेने मुझे फिर आना होगा। If you don't believe now, you ain't gonna never believe. That's right. अगर आप इन बातों पर आज रात भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कभी कर भी नहीं पाएंगे, ये बात ठीक है। Jesus did it one time and they said, Lord, we know when Messiah cometh, he'll tell us this. यीशु ने जब एक बार ही उनके हृदय की बात प्रकट कर दी थी तब उस स्त्री ने कहा था, हम जानते हैं कि जब मसीह आएगा तो हमें ऐसी ही बातें बताएगा। She said, I know the Messiah will do that, but who are you? उसने पूछा था, मुझे पता कि मसीहा ऐसा ही करेगा, मुझे पता है, मगर तू कौन है? यीशु ने कहा था, मैं वही हूँ। And she ran into the city and said, "Come see a man who knows what I was and what I've done. Isn't this the Messiah?" तब वो स्त्री नगर में दौड़ गई और लोगों से कहा, आओ देखो यहाँ एक मनुष्य है जिसको जो कुछ मैंने किया था वो सब उसने बता दिया है, कहीं ये मसीहा तो नहीं? He said, "These things will form again in the last days." यीशु ने कहा था, अंत के दिनों में फिर ऐसा ही होगा। The church will be preaching the truth. It'll be standing on the word. कलीसिया वचन पर खड़ी होगी और सत्य वचन प्रचार किया जाएगा। He'll be doing all the commandments of God, will not associate with the world. वह परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानेगी और दुनिया से अपने आप को कदापि नहीं जोड़ेगी। And through there I'll move and do the same things. और उस कलीसिया में होकर मैं चला फिरा करूंगा और वही काम फिर से किए जाएंगे। But he said they'll be heady, high-minded, lovers of pleasure more than of God. लिखा है कि अंत समय में लोग डींग मार, अभिमानी, घमंडी, परमेश्वर के नहीं पर सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। Truth breakers, false accusers, having a form of godliness. विश्वासघाती, दोष लगाने वाले, भक्ति का वेश भरने वाले होंगे। Very religious, going to churches, having a form of godliness, but denying the power thereof.
from such turn away. बहुत धार्मिक जन जान पड़ेंगे, गिरजों में जाने वाले होंगे, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना पहचानेंगे, ऐसों से परे रहना. You people, whoever you was in the church that he called out just now, the vision's gone from me. आप लोगों में से जिन जिन लोगों को उसने अभी बुलाया था और दर्शन के द्वारा मुझे उनके बारे में बताया था, आप जहाँ कहीं भी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि अब दर्शन समाप्त हो चुके हैं. If that was truth, what I said, and me being not knowing that to you, raise up your hands, everywhere it was, all over the church, every person. कृपया आप अपने हाथ उठाइए यदि जो कुछ बताया गया वो सच है. और यह कि आपको पहले से मैं नहीं जानता हूँ, आप सभी जो यहाँ हैं, जिधर भी बैठे हैं, कृपया हाथ उठाइए. Don't know them, never seen them, but the Holy Spirit's here and He knows them. Can't you see it's not me? ठीक है, देखा आपने? मैं उन्हें नहीं जानता, उन्हें कभी देखा तक नहीं, मगर पवित्र आत्मा यहाँ है और वह उन्हें जानता है. क्या आप ये बात नहीं समझते कि गुप्त बातें बताने वाला मैं नहीं हूँ? Listen, if he'll entrust me with that, he'll trust me with the truth of the word, because the truth can only come by the word. यदि इस कार्य को करने के लिए वह मुझ पर भरोसा कर सकता है तो ये भी भरोसा कर सकता है कि उसका वचन मैं सत्य प्रचार करूंगा, क्योंकि सच्चाई तो केवल वचन के द्वारा ही आ सकती है. Repent everyone and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. पश्चाताप करो और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे. For the promise is unto you and your children, them it's far off, even as many as the Lord our God shall call. क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और सम दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा. You believe it? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? There's to be a baptismal service just in a moment. यहाँ अभी कुछ क्षणों के बाद बपतिस्मे दिए जाएंगे. Let's bow our heads and ask the pastor to pray while they make ready for the baptism. I think there's a baptismal service coming. आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं. मैं पादरी भाई से निवेदन करता हूँ कि जब लोग बपतिस्मे देने की तैयारी कर रहे हैं वह हमारे लिए प्रार्थना करें. मेरा विचार है कि बपतिस्मे इसके बाद दिए जाएंगे. ये ठीक है.